ओ धन देने वाले, ओ बुद्धि देने वाले, ओ निडरता देने वाले। हेलो सर, गुड इवनिंग। हेलो मैडम, गुड इवनिंग। हेलो जी, नमस्कार। मैं डॉक्टर कन्नाडसन बोल रहा हूँ। याद है कुछ दिन पहले आप मेरे ऑफिस में इंक्वायरी के लिए आए थे? याद है आप एक शानदार फर्टिलिटी सेंटर के बारे में पता कर रहे थे? हाँ। आपके लिए एक बच्चा, आपका ही बच्चा। आपकी पत्नी की खुशी आपके लिए सब कुछ है ना? क्या मैंने ये बात गलत कही क्या? नहीं चाहते कि आपके घर में बच्चे की किलकारी गूंजे? देखिए, मैं यहाँ पर किसी मुर्गी या बत्तख के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। हर किसी को एक बच्चे की जरूरत होती है, गलत कहा क्या है ना? सर, आपको आखिर किस चीज की जरूरत है? एक हेल्दी बच्चा ही चाहिए ना। दूसरा, हम लोग आखिर चाहते ही क्या है? और उसके लिए हमें क्या चाहिए? अच्छी क्वालिटी का स्पर्म। स्पर्म, ये दोनों हमारे मुर्गप्पा क्लिनिक का सीक्रेट है, हमारी विशेषता है, ये याद रखिएगा। हम इस सर्विस में पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं। अलावा इसके 100% हेल्दी बच्चा होगा, इसकी गारंटी हम देते हैं। गारंटी, 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 गारंटी। हे प्रभु आनंददायक। ओहो वनती, वो तो कुछ नहीं करता। मैं तो उसके बारे में सोच कर ही डरने लगी हूँ। पता नहीं आगे चलकर क्या करेगा वो। पिछले महीने भी 15 दिन तक घर नहीं आया। डेली अपने दोस्तों के साथ दारू पीता है। मैं कुछ पूछती हूँ ना तो मुझे हर बात पे कसम दे देता है। उसकी माँ हूँ ना, मान जाती हूँ। बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन थैंक गॉड मेरा प्रभु वैसा नहीं है। पार्लर या स्पोर्ट्स, और कहीं नहीं जाता। ज्यादा मत बोलो, चुप रहो। हेलो, आयुर्वेदिक सेंटर बोलिए। रुकिए रुकिए, मैं चेक करती हूँ। कौन है? कोई कामधेनु सुपरमार्केट से है। वहाँ कल डिलीवरी के लिए किससे भेजा था? अभी तक वहाँ सामान नहीं पहुँचा। कह रहे हैं कितनी घटिया सर्विस है, कितना सुनना पड़ा। डिलीवरी के लिए कौन गया था? प्रभु। ये गलत आइडिया है डॉक्टर। मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकता। मेरी पत्नी किसी और के बच्चे को जन्म देगी। प्रसन्ना, तुम इसे गलत मत समझो। धन दौलत बढ़ने के साथ साथ हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है। इस समस्या का यही समाधान है। कुछ लोग इसे करने में सक्षम होते हैं और कुछ लोग बेचारे नहीं कर पाते। मान लीजिए कि आपकी पत्नी एक दिन खाना नहीं बनाती है तो क्या आप भूखे रहेंगे? या तो आप किसी होटल में जाएंगे या किसी ऐप का यूज करेंगे और खाना आपके घर तक पहुंच जाएगा। यू नो, फ्री होम डिलीवरी। और उसका और आपका रिश्ता आपके घर के गेट पर खत्म हो जाता है। करेक्ट डॉक्टर। उसके लिए ये एक जॉब है, लेकिन आपके लिए ये एक जरूरत है। मायने ये रखता है कि आप खुश रहें। आओ आओ, स्टॉप, पीछे 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 पीछे। एक ऐसा डोनर हो जिसके खानदान में कोई भी गंजा ना हो डॉक्टर। असल में कर्ली हेयर रहेगा तो अच्छा है डॉक्टर। ओ कर्ली हेयर, गाल फूले हुए हो, ब्लू आंखों वाला, उसे कभी बनना चाहिए। और लड़का हो, तमन्ना की तरह बढ़िया डांसर हो, और साथ में रमैया की तरह चाहिए क्या? दीपिका पादुकोण की तरह चाहिए। बड़ी आंखें होनी चाहिए और डिम्पल्स पड़ने चाहिए। ये शेड और ये शेड मिक्स होना चाहिए। मेरी तरह सुंदर ना होकर मेरी पत्नी की तरह हो तो चलेगा। हेलो एशियन पेंट्स, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली होनी चाहिए। आई डोंट नो व्हाट मॉडलिंग, व्हाट? आप लोग आपस में बात कीजिए, तब तक मैं एक ब्रेक लेकर आता हूँ। वो मुश्किल से 5 फुट लंबा है और उसे अमिताभ बच्चन की लंबाई वाला बच्चा चाहिए। आखिर क्या करूं मैं? तुम एक हेल्दी स्पर्म डोनर के बारे में प्रॉमिस करके सभी क्लाइंट से पैसे ले लिए हो। जब उन्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पास कोई डोनर नहीं है तो याद रखना, तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। डील करने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास स्पर्म डोनर नहीं है। हमें कुछ तो करना ही होगा, मिलकर ढूंढना होगा उसे।
चीयर्स। एक वक्त ऐसा था कि हमारे क्लिनिक पे कोई मरीज नहीं आता था, लेकिन अब इतनी लंबी लाइन लगी कि संभालना मुश्किल हो रहा है। क्लाइंट्स को जैसा बताया वैसा करके हमें उनका विश्वास जीतना ही होगा। डॉक्टर, तुम्हारे भले के लिए सोच रहा हूँ, तुम सारे पैसे ले करके अमेरिका भाग जाओ। कामू, माना कि तुम्हारे पहले से 3 बच्चे हैं, लेकिन अगले बच्चे के लिए भी तुम कोशिश कर रहे थे कि नहीं? आपका फेस एलईडी की तरह चमक रहा था कि नहीं? आपको क्या लगता है कि मैं उन क्लाइंट्स की उम्मीदों पे पानी फेर दूंगा जो मेरे पास किसी उम्मीद के साथ आए हैं? यहाँ तक कि मैं भी ऐसी प्रॉब्लम फेस कर चुका हूँ। मैं आपको अमेज़न के जंगलों में रेयर जानवर के तौर पर लेकर छोड़ दूंगा और मैं आपको एक डोनर के रूप में बाद में यूज करूंगा और पैसा कमाऊंगा, लेकिन यहाँ से भागूंगा बिल्कुल नहीं। तो डोनर कौन है? अरे आप भी है ना? क्या? अरे मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये है कि मैं और आप एक साथ मिलकर डोनर को ढूंढेंगे ना, वो हमें कहीं ना कहीं तो मिलेगा। हे, कहाँ छुपा है रे वो शानदार आदमी? तू बाहर निकल के आ। उसने चीट किया ना? बैक बैक गो बैक गो बैक। कम ऑन बॉस, क्या बात है? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, पीछे। यस यस, बहुत बढ़िया, शाबाश, वाह वाह, गुड गोइंग, शाबाश। उसका नाम क्या है? वो आशीष है और पिछले साल उसको फॉरवर्ड खेला था। ओ प्लेयन प्लेयन फाउल, लूजर है यार ये। सारा जमाना हसीनों का दीवाना, जमाना कहे फिर क्यों बुरा है दिल लगाना। हे हे, सारा जमाना। हे हे, जब एक दोस्त स्टेज पे परफॉर्म करता है ना, तो तुम सबको सामने खड़ा होकर उसे चीयर अप करना चाहिए, ना कि किसी कोने में बैठ के प्राइवेट पार्टी करनी चाहिए। हे, एक तो तू दारू पीकर इतनी घटिया परफॉर्मेंस कर रहा था, फिर भी मैंने तेरे लिए तालियां बजाई। चुपचाप चल। तू तो इंसल्ट कर रहा है बे। अब से कभी तेरे घर पे आऊं ना, तो अपनी चप्पल से मुझे मारना। हाँ, ठीक है, ठीक है। सुनो, वो मेरा घर है। तू तो खुद को रईस समझ रहे क्या, जो पूरा इलाका खरीद लिया? अबे मैं अपनी कल्पना के लिए जा रहा हूँ, ये देखने की मेरी म्यूजिक कितनी पावरफुल है। ओके श्रीराम, तेरा म्यूजिक सुनने चलते हैं। ओ दरअसल मैं ना ऐसे राजकुमार का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन ये लड़कियां बेचारी समझ नहीं सकती है। आर्टिस्ट का मतलब यही होता है जिसे सब प्यार करें। चल चलता हूँ अभी। संभल के घर जाना। सारा जमाना। मत जाना कहीं। हाँ चल चल। हसीनों का दीवाना। हाँ? गुड नाइट। गुड नाइट। खाना खा लिया? उफ, उफ, उफ,
फुटबॉल के नाम पे बाहर घूमते रहते हो क्या माँ? पार्लर में हमारी मदद करने का नाटक करते हो। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, सारे काम आधे अधूरे छोड़ देते हो। चिल माँ। क्या चिल? देखिए मैं एक जॉब ढूंढ रहा हूँ, 4-5 कंपनियों में स्पोर्ट्स कोटे से शॉर्टलिस्ट भी हुआ हूँ। ये सब फुटबॉल की वजह से हुआ है, तुम बस देखती जाओ कैसे मैं तुम्हें रानी की तरह रखता हूँ। थैंक यू। कामधेनु की डिलीवरी थी ना, क्या हुआ उसका? अब कामधेनु वेल हे दादी क्या हुआ? दादी क्या हुआ? दादी ये ठीक है, पहले तो इस पर इतना गुस्सा किया दादी और बदल गई कर रही है। आर यू ओके? क्या बात है, क्या परफॉर्मेंस किया दादी, मजा आ गया। मूंगफली कैंडी, मूंगफली कैंडी लाया हूँ, पता है मुझे मीठा खाने का बहुत मन आता है। खा ले खा ले। ए आपको भी चाहिए? मुझे नहीं चाहिए, मैंने सुना है हेडफोन लगाने से आवाज बाहर नहीं आती। अच्छा आपको वो चाहिए? देखिए मेरे पास अभी पैसे नहीं है, जब जॉब लग जाएगी तब मैं आपको खरीद कर दे दूंगा। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। यस। कैसा तुम चाहते थे, एक स्टार स्पर्म डोनर, उसे बाहर लाइन में खड़ा करके आ रहा हूँ, वो लोग रेडी हैं, तुम रेडी हो? रेडी 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 रेडी, जल्दी ले जाओ उसे अंदर जल्दी। कम ये क्या? दिस इज इन कन्वर्सेशन विद डॉक्टर कन्नदासन। केवल बोलना ही तुम्हारी प्रॉब्लम है क्या? ऊपर वाले को धन्यवाद देते हैं, मेरी आवाज है मेरी संपत्ति है। तुम तो बड़े एक्टिव टाइप लगते हो। एक्टिव रहने के लिए ये जरूरी है कि बॉडी हेल्दी हो। आई एम अ फिल्म मेकर सर, एक हिंदी फिल्म है स्पर्म डोनेशन पे, मैं उसका रिमेक बनाना चाहता हूँ। पिछले 30 पीढ़ियों से हमारे खानदान में किसी ने 8 से कम बच्चे पैदा नहीं किए। तो मेरा सामान लो और मेरे पैसे दे दो, ऐसा हमारे खून में। बस 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 बस, कामू इस लाश को जरा यहाँ से हटा दो। सर 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 सर, क्या सोच रहे, क्या सोच रहे? मुझे कोई रुपया नहीं चाहिए सर, मैं अपने शहर में एक बहुत बड़ा बोर्ड लगाऊंगा। बोर्ड लगाऊंगा? मैं योद्धा की फैमिली से आता हूँ, अपना हथियार हमेशा अपने साथ रखता हूँ। बच्चे भी हथियार के साथ पैदा होंगे। हे कामू। डॉक्टर उसमें से कितने का सिलेक्शन हुआ? आधो के चेहरा फोड़ दूंगा, मैंने लंदन से MBBS और FRCS की पढ़ाई की है, सबके सब एकदम कंडम और बेकार थे, और तुमने मुझे बोला कि सबके सब स्टार डोनर थे, तुम्हारी सोच के लिए मैं अब क्या कहूँ तुम्हें? डॉक्टर मैं फिर से कोशिश करता हूँ। थैंक यू, रहने दो। गुड मॉर्निंग कोच। प्रभु इधर आ जरा, क्या खेला था? हेलो सर। हाँ तेरे पास कोई टैलेंट ही नहीं है, तेरे किक में कोई फोर्स ही नहीं था, क्यों? तेरा मूड बनाने के लिए फ्लड लाइट चाहिए ताकि तू खेल सके, अगर अच्छा खेलेगा तो तेरी जॉब लगेगी, याद रख इस बात को। अगर उस दिन मैंने गोल कर लिया होता ना तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, पता नहीं अब और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। ओ तुझे लगता है उस दिन तूने गोल नहीं किया इसलिए तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ? हाँ टीम की हेल्प करोगे तो सिलेक्शन होगा, तुमने सोचा कि तुम सोलो खेल के ही गेम जिता दोगे, तुम्हारी वजह से हम हार गए। देख मतलब गोल सिर्फ स्कोरिंग नहीं होता, तेरा सिलेक्शन हो जाए इसलिए समझा रहा हूं। हे फास्टर, ये ले एप्लीकेशन फॉर्म। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के लिए मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूं। ये रिन्यूअल फॉर्म है, तुम्हारे एज और पॉइंट्स को देखते हुए तुम्हारे पास एक अच्छा चांस है, इसे सबमिट कर देना। क्या बहुत मजा आ रहा है यार, हो गया लेट क्या करूं, तो चलो फिर चलो। हमारा अशुभ समय अब समाप्त होता है। नमस्ते सर। बुरा समय शुरू हो चुका है, पनीर सेल्वम का। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? पनीर सेल्वम। सेल्वम चिंता मत करो, तुम्हारी वाइफ मेरे हॉस्पिटल में बच्चे के लिए आई थी राइट, क्या अब माँ और बच्चे दोनों ठीक हैं? डॉक्टर प्लीज ये मत सोचो कि मैं ब्लैकमेल कर रहा हूँ, बहुत सिंपल है, अगर तुम स्पोर्ट्स कोटा एप्लीकेशन मुझे हैंडओवर कर सकते हो तो मैं उसकी आधा घंटे में जीरोक्स करके तुम्हें वापस लौटा दूंगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मार खाने के लिए तैयार रहना, ये मारेगी। तुम्हें मैं अपना बड़ा भाई मानता हूँ डॉक्टर, मैं मार खाने के लिए तैयार हूँ।
यही रुको, लेकर आता हूँ। उसने तुम्हें अपना भाई कहा? भाई से भाई का प्यार है ये बहुत बेशुमार, मौका मिला है तो कमाले धन अपरंपार। ये लड़का भी एवरेज ही है यार, बकवास। अरे मैं इन डेड डूड्स में से डैडी कैसे निकालूं? अरे सुन तो सर, इधर आ जरा। क्या तुम लोगों को कुछ फ्राई वाला सामान खिला रहे हो? ये ले, इस पेपर पे रख के देना सबको। जा 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 जा। हाँ? प्रभु, वाह वाह, सुपर्ब। स्पेशलिटी? स्पेशलिटी छोड़ो कामू, स्पेशलिटी पे गौर करो। इसे देखो, इसका नाम है प्रभु, पहलियार मंदिर, गली नंबर 4, ट्रिप्लिकेट। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शुभ दिन शुरू, तो चलो उसे मिलते हैं, जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो। लेकिन वो तो वहाँ बैठा है डॉक्टर। कहना क्या चाहते हो? देखो वो तुम्हारी गाड़ी पर ही बैठा है। डॉक्टर, प्रभु सुबह 4 बजे उठकर सूर्य नमस्कार करता है। वाह, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में? और उसके बाद सो जाता है, फिर सुबह 10:30 बजे जगता है, फिर मन करे तो नहाता है, वरना बिना नहाए अपनी माँ के ब्यूटी पार्लर जाता है। वो अपनी माँ के ब्यूटी पार्लर जाता है, उनके क्लाइंट्स की वैक्सिंग थ्रेडिंग सब कुछ करता है। शाबाश, इसके अलावा उसकी और क्या क्या आदतें हैं? ज्यादा नहीं है, अगर उसके पास पैसे हैं तो थोड़ा बियर भी पी लेता है। उसकी फैमिली पिछली 3 पीढ़ियों से शाकाहारी है। शाकाहारी है? इसके अलावा कोई लव अफेयर, कोई रिलेशनशिप, कोई गठबंधन, कोई ब्रेकअप? उसकी माँ के पार्लर में कल्पना नाम की एक लड़की काम करती है, वो उसे एक तरफा प्यार करती है। उसे छोड़ो, आगे बताओ। उसके पापा की मौत के बाद से वो अपनी जिंदगी में सिर्फ एक आदमी से डरता है, वो उसके फुटबॉल कोच है। उसकी दुनिया माँ से शुरू होती है और दादी माँ पर खत्म होती है, कभी कोई स्ट्रेस भी नहीं लेता। स्ट्रेस नहीं लेता, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। इसके अलावा मेन मैटर क्या है? मैटर ही तो उसकी मेन खासियत है। उसके दादाजी अपनी फैमिली के 15वें बच्चे थे और उनके 8 बच्चे थे, लेकिन उनके माँ ने 90s के ट्रेंड को देखते हुए वहीं स्टॉप कर दिया। ये तो एनएफ से भी ज्यादा है। इससे भी ज्यादा सर, इससे भी ज्यादा। उसकी माँ के अनुसार वो लोग तंजोर के राज घराने के वंशज हैं। राजवंशज है? हेलो पशुपति, गाड़ी स्टार्ट करो। माँ, कोच ने कहा है कि अंडा खाना शुरू कर दो। क्या? प्रोटीन माँ, स्पोर्ट्स पर्सन को अंडे खाने चाहिए, ताकत मिलती है उससे। तुम्हें पालक, फलियां और दूध के अलावा किसी और प्रोटीन की कोई जरूरत नहीं है। स्वामी विवेकानंद टॉप फुटबॉल प्लेयर थे, प्रोटीन सिर्फ एक अंधविश्वास है। तुम्हें अपने पिता की तरह गुस्से वाला नहीं बनना है। ये कहाँ गुस्से वाला है। प्रभु, मेरा एक काम कर देगा बेटा, मैं तेरा काम कर दूंगी। सीधा पॉइंट पर आओ, क्या बात है? ये देखो, वे प्रोटीन, प्योर वेजिटेरियन। तो मैं क्या करूं? सब कुछ पैक होकर तैयार है, तुम्हें सिर्फ इसे जाकर ग्रैंड मॉल में देना है। सुन, रेगुलर कस्टमर के लिए है, ध्यान रखना कि सामान तुरंत पहुंचे। प्रोटीन पाउडर के लिए मुझे ये सब भी करना पड़ेगा। निधि मंदाना, ये डिलीवरी करना है। ओके सर। निधि मंदाना? या आप कौन? पार्सल है पारंबरियम से। ओके, तो आप
आप डिलीवरी बॉय हैं या फिर? हेलो, मैं ओनर हूँ। मैं आपको कैसे बताऊँ कि ये मेरा ब्रांड है। बहुत साल हो गए इसे खोले हुए और हमारे बहुत सारे रेगुलर कस्टमर भी हैं, और मुझे पता नहीं था कि उनमें से आप भी एक हैं। हाँ? आप रेगुलर कस्टमर हैं, मुझे नहीं पता था। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। आपको जिस प्रोडक्ट पर इतना घमंड है उस पर कुछ लिखा हुआ क्यों नहीं है? लगता है जैसे समोसे की चटनी का पैकेट है। अपने प्रोडक्ट की वैल्यू समझिए, फिर सभी लोग समझेंगे। कल मैं इसे पैक करके लेके आता हूँ, प्लीज वन मोर चांस। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? लगता है आपको कोई फॉलो कर रहा है। हाँ? अभी चलता हूँ, तो कल फिर सेम टाइम। ओके। कामू, हमें एक नया क्लिनिक खोलना चाहिए, एक बड़ा क्लिनिक। डॉक्टर अलर्ट अलर्ट। A mall is a mall is a mall is a mall where we give them all. Oh, what a mall. Excuse me. Yes? कुछ चाहिए आपको? कुछ नहीं, actually. हेलो, आप दोनों मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? रुकिए एक मिनट, अभी पुलिस को कॉल करके आप लोग को अंदर करवाता हूं। बेटा प्लीज, देखो ऐसा कुछ मत करना, मैं टैक्स देने वाला एक डिसेंट सिटीजन हूं। वो बात ये है कि दरअसल मैं बताइए मुझे, मुझे तुमसे जरा प्राइवेट में बात करनी थी। कैन यू स्पेयर मी अ फ्यू मिनट्स प्लीज? यस 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 यस। मैंने प्राइवेट कहा है? बेटा क्यों ना रेस्टोरेंट में चलकर कुछ खाने का ऑर्डर दे दें, वहीं आराम से बात कर लेंगे। नहीं, जो बात करनी है यहीं पर कीजिए। तुम तो बड़े फ्रेंडली हो यार। बेटा वो सेक्स के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या? शर्माने की जरूरत नहीं है, सेक्स के बारे में क्या ख्याल है वो बताओ। हेलो, आप पागल वगैरह क्या, कैसी बातें करें मेरे साथ? आई एम डॉक्टर कन्नाडसन, MD, फर्टिलिटी एक्सपर्ट। वाह, हाथ की रेखाएं जबरदस्त है। टच मत करो मुझे, मैं जा रहा हूँ। पता नहीं मैंने आपसे बात भी क्यों की। आई नो यू आर फीलिंग एम्बैरेस्ड, मुझे जरा एक मिनट दो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। पेरिस कॉर्नर में मैं एक छोटा सा फर्टिलिटी क्लिनिक चलाता हूँ। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं, उन सबको सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, वो भी सिर्फ एक बच्चे की। पर इसमें मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? उनकी इस जरूरत को पूरा करने के लिए हमें जो चाहिए वो है कोई एक अच्छा हेल्दी डोनर। डोनर? यस, एक डोनर मतलब एक अच्छा आदमी, बिल्कुल महाभारत के कर्ण की तरह, जो मेरे सभी क्लाइंट्स का दुख दूर कर सके। तो मैं तुम्हारे पास डोनेशन के लिए आया हूँ। डोनेशन चाहिए आपको? हाँ। पहले क्यों नहीं बताया, फॉर्मल ड्रेस पहन कर आया तो मैं समझ नहीं पाया। मैं भी ना, 500 का छुट्टा है क्या? मुझे फाइनेंशियल डोनेशन नहीं, कुछ और चाहिए। क्या चाहिए? स्पर्म, स्पर्म डोनेशन। हाँ? हाँ? स्पर्म? हाँ? स्पर्म चाहिए। हाँ? अब समझा, कैमरा बकरा बना रहे ना मेरा, मैं प्रैंक वीडियोस, पर मैं बकरा नहीं बना, मैं देखता हूँ आप लोग का प्रैंक शो। आई नो टेक्नोलॉजी बहुत इंप्रूव हो गई है, तो बताइए कैमरा इस पेन में है ना? मुझे पता है आप लोग क्या कहते हैं, इस बार मैं बोलता हूँ, प्लीज डोंट माइंड ना, मैं बोलता हूँ। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए सभी दोस्तों के साथ। सही कहा ना? आपकी कॉमेडी आपको मुबारक हो, मुझे माफ कीजिए, मैं जा रहा हूँ। उसने सब कुछ कहा मगर ये क्यों नहीं कहा कि नीचे की घंटी बजाना मत भूलिएगा, क्या हो गया उसे? हे, ये देखो। हे, सुपर्ब लग रहा है यार, देखना। एकदम घटिया है। हाँ? मालूम है कैसा होना चाहिए? बता। एकदम सुंदर, एकदम जबरदस्त, क्लासी होना चाहिए। तुम्हें उसके बारे में क्या पता है? हे दादी, देखा। हेलो। हाँ, ये हाँ, अच्छा। एक मिनट है प्रभु, लेकिन इसमें कुछ मिसिंग है। प्रभु, तुम्हारा कॉल है। यस प्रभु। हेलो, आई एम डॉक्टर कन्नाडासन स्पीकिंग। हाँ बोलिए। हम लोग उस दिन मॉल में मिले थे ना, वो फर्टिलिटी क्लिनिक, वो डोनर वाली बात। hey! तुमने मेरे घर पर फोन क्यों किया? एक्चुअली मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें जो कहा उसे समझने के लिए तुम अभी इतने मैच्योर नहीं हुए। ये भी अच्छा है। डॉक्टर कन्नाडन से तुम अब बच नहीं सकते हो। तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, पीछा ना मैं। ए,
ये सच में बहुत अच्छा है। दिया, ये बहुत अच्छा है। अब ये अच्छा लग रहा है। हाय, एक्सक्यूज मी। हाय। निधि है क्या? नहीं, वो फिल्म देखने गई है। किसके साथ? अब आई मीन काम के समय में फिल्म कौन देखने जाता है? हाउ इररिस्पॉन्सिबल ऑफ हर। हेलो, वो जोनल हेड है। क्या मतलब? कि वो अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकती हैं। ओह, मुझे पता ही नहीं था कि वो जोनल हेड है। वो कौन सी फिल्म देखने गई है? वहां पर सर। ओके, थैंक यू सर। ठीक है सर। हाय, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। या श्योर, पर कम से कम पॉपकॉर्न या फिर कोल्ड कॉफी तो लेकर आ सकते थे ना। अभी ले आता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं, रहने दो। आपको कल पैकेजिंग पसंद नहीं आया था ना। ये लीजिए, ये आपके स्टैंडर्ड से मैच करता है ना। काफी अच्छा है। थैंक यू। और कोई बात? मुझे पसंद आई। पिक्चर, वैसे आप बहुत क्लासी हैं। वैसे आपको देखकर ये लगता नहीं कि आपको इस तरह की फिल्में देखना पसंद है। आपको समझ में आ रहा है कि इस फिल्म में क्या हो रहा है? मैं कर्नाटका से हूँ और ये मूवी कन्नड़ में है, मुझे सब समझ में आ रहा है। आपके बाल बहुत खूबसूरत हैं। आपको इस ऑयल की क्या जरूरत है? जिनके बाल झड़ते वो लोग ये लगाते हैं। ओह अच्छा, तो तुम्हें हेयर ऑयल के बारे में सब पता है। बिल्कुल, अगर आपके बाल कमजोर है तो आपको बादाम ऑयल लगाना चाहिए, और अगर आपके जितने बाल अगर किसी के खूबसूरत हो तो उसे तेल लगाने। ठीक है, समझ गई। ये ऑयल मेरे लिए नहीं, आंटी के लिए है। तो आप आंटी को लेकर मेरे पार्लर में क्यों नहीं आ जाती? आई मीन मेरी दादी भी है, मेरी माँ भी है, वो लोग आंटी के बाल अच्छे से सेट कर देंगे। रियली? या लेकिन आने से पहले एक बार कॉल करना 9884-2-9884, क्योंकि प्रभु आजकल बहुत बिजी है। बाय द वे, आई एम प्रभु। बाय, आई विल सी यू। सॉरी, बाय। मैम, कोल्ड कॉफी एंड पॉपकॉर्न, ये मिस्टर प्रभु ने आपके लिए भेजा है। सर, इस उम्र में आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है? मैं यहाँ वंडरलू ज़ू में सांपों के दांत की सफाई के काम के लिए अप्लाई करने आया हूँ। तुम अपना काम करो, चलो चलो। ठीक है। ये सुन, जरा उधर देखना, वो अंकल जो है ना तुम्हें ही घूर रहे हैं। फिर से आ गया। तो क्या तुम उन्हें जानते हो क्या? नहीं नहीं, उस लाइन में कम लोग है तो मैं वहां जा रहा हूँ। ठीक है, तू यहाँ खड़े रहे। हे, यू, खुद को डॉक्टर कहने में शर्म नहीं आती? इसमें शर्माने वाली क्या बात है? अपने बकवास काम के लिए आदमी ढूंढने के लिए पब्लिक प्लेस में आए हो आप। अरे ये कोई बकवास नहीं है, ये एक सेवा है। पता है मेरे क्लाइंट्स अपनी आंखों में आंसू भर के हाथ जोड़ के भीख मांगते हैं। अरे हटो यार, मेरा नंबर आ गया, चलो ये लीजिए। सॉरी सर, लंच ब्रेक। मैडम 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 मैडम, एक फाइल ले लीजिए प्लीज, एक ही फाइल है। मैम मैम सुनिए ना प्लीज, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, अब मुझे कल दोबारा आना। डोंट स्ट्रेस। पनीर सेल्वम। हाँ, तुम्हारा बच्चा तो ठीक है ना डॉक्टर? पता है ये अपना ही बच्चा है, इन्हें जरा फाइल दो, आगे बढ़ाओ भाई। चलो चाय पीते हुए बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे बच्चे पसंद नहीं आते। क्यों? वो कहीं भी पॉटी और पेशाब कर देते हैं। थिएटर में शांति से फिल्म भी नहीं देख सकते।
इसके अलावा बिना मतलब के पाउडर, डायपर, स्कूल, कॉलेज सबका खर्चा। अगर तुम्हारे पिताजी भी ऐसा सोचते तो देखो, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम बच्चे पैदा करो या उन्हें पाल पोस कर तुम्हें बड़ा करना होगा। मैं तो तुमसे एक डोनेशन मांग रहे हैं, स्पर्म डोनेशन। चिल्लाओ मत यार, तुम्हारी बातों से शर्मिंदगी हो रही है। इसमें शर्मिंदगी वाली क्या बात है, धरती पर इंसान उसी से तो बने हैं, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। अगर तुम्हें ये शब्द पसंद नहीं है तो इसके बदले में मैं जीवन वर्ड का इस्तेमाल करूं। तुमको ये काम फ्री में नहीं करना है, ये पेड प्रोजेक्ट है। जब तक तुम्हें कोई काम नहीं मिल जाता है तब तक तुम इसे पॉकेट मनी समझ लो। अयो कैसे होगा ये सब, क्या वो लोग इसके लिए टैंक रखते हैं? तुम्हें इसे किसी टैंक में नहीं रखना है, इसे एक बैंक में रखना है। हाँ, मेरे पास एक बैंक है, स्पर्म बैंक, जीवन बैंक। मैं तुम्हें इसमें जिंदगी जमा करने के लिए कह रहा हूँ। ये तुम जितना ज्यादा पियोगे वो उतना ही तेज भागेगा। इस तरह की बातें करके आप मुझे अपने जाल में फंसाना चाहते हो? मैं किसी को अपने जाल में नहीं फंसा रहा, लोग तो खुद जाल में फंस जाते हैं। आज के समय में स्ट्रेस एक कैंसर है और सोसाइटी इससे ग्रस्त है। बेकार में आप सोसाइटी पर इल्जाम मत लगाइए, सब लोग बहुत ही खुश है एक आपको छोड़कर। अच्छा तो सुनो, किसी एक के बारे में बात करते हैं। सबके सबको ज्यादा से ज्यादा धन चाहिए, सब लालची हैं, अल्कोहल, स्मोक, ट्रैफिक, रात रात भर जागकर वो अपने लैपटॉप पर काम करते रहते हैं। इतनी गर्मी होती है कि उन पे अंडा फोड़ो ऑमलेट बन जाएगा। फिर वो काम से घर आते हैं और आते फ्लैट होकर सो जाते हैं। फिर उनकी पत्नी धीरे धीरे क्रोधित होने लगती है और फिर उनकी टोटल फैमिली लाइफ बर्बाद होने लगती है। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? बेटे, आज के इस इंस्टाग्राम के जमाने में तुम पुरानी जिंदगी क्यों जी रहे हो? देखो, तुम्हारे पास कोई काम होगा नहीं तो तुम्हें कोई स्ट्रेस नहीं होगा। दिन में 3 बार भर भर के खाना खाओ और मस्त होकर के 3 बार सो जाओ, और फिर शाम को उठो तो मस्त वीडियो गेम खेल के एंजॉय करो। फिर तुम शाम को फील्ड में जाके फुटबॉल आराम से खेल पाओगे। तुम्हारे साथ एक मेडिकल मिरेकल होगा। अभी तुम 25 साल के हो, तुम्हारा अब तक एक भी बाल नहीं गिरा होगा, लेकिन उसके गिरने पे कमाल हो जाएगा। मान लीजिए ये करने के लिए मैं तैयार हो जाऊं। तैयार हो गए। सिर्फ ऐसे ही कह रहा हूं। ऐसे ही कह रहे हो? क्या गारंटी है कि वो काम करेगा? गारंटी तो कोई नहीं है, कभी कभी टावर के नीचे भी खड़े रहते हैं तो सिग्नल नहीं मिलता। वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है इसके लिए हमें टेस्टिंग करनी पड़ती है। आप मुझे इम्पोर्टेंट कह रहे हैं? ना ना, मैंने ऐसा कब कहा, मैंने तो तुम्हें कोऑपरेट करने के लिए कहा और बस। जा रहा हूँ। वाह, अब बहेगी धार। तुम मुझे फॉलो कर रही हो क्या? आइडिया काफी अच्छा है। तुम मुझे ये इसलिए बोल रहे हो ताकि मैं तुमसे ना कहूँ? हेलो, मैं बचपन से यहीं खेलता हूँ। मैं यहाँ पिछले 2 सालों से आ रही हूँ। अच्छा, ऐसी बात है। तुमने तो कहा था कि तुम एक रेगुलर कस्टमर हो और आज कह रही हो कि तुम यहाँ 2 साल से आ रही हो। हम दोनों इतने करीब रहते हैं, पता नहीं फिर भी टकराए कैसे नहीं। उस दिन मैंने तुम्हें देखा कि तुम ऑफिस में अकेली थी, थिएटर में भी अकेली, और अब यहाँ भी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें अकेले रहना पसंद है? तुम अकेली हो ना कि? अकेले रहना मुझे पसंद है, लेकिन मैं जहाँ काम करती हूँ, थिएटर में मूवी देखूँ या फिर कैफे में बैठकर बुक पढ़ूँ, तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ते। ओके। कॉफी? So, what do you do? मैं फुटबॉल प्लेयर हूँ। I mean, काम क्या करते हो? हाँ, फुटबॉल खेलना ही मेरा काम है। Oh. मैं ना बचपन से ही एक अच्छा
फुटबॉल प्लेयर हुई सी, और स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू हाई स्कूल और कॉलेज में एडमिशन लिया। यहाँ तक कि जॉब भी स्पोर्ट्स कोटे से अप्लाई किया। नाइस। जल्दी जॉब मिल जाएगी। आपकी तरह कोई फैंसी जोनल हेड का जॉब तो नहीं मिलेगा, पर कोई बात नहीं, मेरा स्पोर्ट्स कोटा जिंदाबाद। आई एग्री, पर मेरे स्कूल में स्पोर्ट्स वालों को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती थी। आई फेल्ट जेलस। कौन सा स्कूल? सेंट जोसेफ कॉन्वेंट। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप कूर्ग में हुई। कॉलेज के लिए मैं चेन्नई आई, फिर यहाँ से वापस जाने का मेरा मन नहीं किया। मन करता भी कैसे, चेन्नई है इतना अच्छा। ए छोटू, वहां से हटो, हटो, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे मॉम डैड कहाँ है? उधर। सर मैं अभी बीच पे आया हूँ, घर जाऊंगा तो ये काम कर दूंगा। सर मैं समझ सकता हूँ, अर्जेंट। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ बैठ के फोन पे बात कर रहे हैं, आपको पता है आपका बच्चा वहाँ पानी के पास चला गया था? एक अर्जेंट कॉल आ गया था इसलिए। उसे कुछ हो जाता तो, अगर ये पानी में बह जाता तो? सॉरी, संभालने नहीं आता तो पैदा क्यों करते हो बच्चे? थैंक यू ब्रदर, ध्यान रखो इसका, टेक केयर। बेटा क्यों तुम ऐसा करते हो, कितनी बार समझाया तुम्हें? सॉरी पापा, नॉट बैड। क्या? नहीं कुछ नहीं। चलो चलते हैं। तुमने कहा था ना कि मैं आंटी को लेकर पार्लर में आने वाली हूँ, तू कब लेकर आ रही हूँ ना? डॉक्टर ये लीजिए टैबलेट। सिरदर्द ठीक हुआ ना? अभी तो तुमने दवा दी है। एडवर्टाइजमेंट में तो जल्दी ठीक हो जाता है। अच्छा चलिए एमआरआई स्कैन करके देखते हैं। सारे प्राइवेट हॉस्पिटल करप्ट हो चुके हैं, तुम जाओ यहाँ से। कभी मेरी बात नहीं सुनते। कम से कम आज तो सुन ले। मुझे नहीं पता तुमने उसमें ऐसा क्या देखा, लेकिन ऐसा कुछ दिन और चलता रहा तो तुम पागल हो जाओगे, पक्का है। डॉक्टर वो आपकी तरफ ध्यान भी नहीं देता, कोई और ऑप्शन क्यों नहीं ट्राई करते? उसमें कोई तो स्पेशल बात है लता, मेरी अंतरात्मा कह रही है कि वो मुझे तब तक भाव नहीं देगा जब तक मैं उसको ये ना समझाऊं कि मैं भी उसके पीछे उसी रफ्तार से लगा हुआ हूं, वो भी बिना स्ट्रेस लिए। ये जिंदगी बदल सकता है, मिल गया आइडिया। मुझे तो लगा था कि डॉक्टर सीरियस होते हैं, लेकिन आप तो बड़े मजाक किया है। आओ प्रभु, आओ प्रभु। तुम डॉक्टर के साथ बिजनेस कर रहे हो ये हमें क्यों नहीं बताया? बोलो बेटा। हाँ बेटा, इस काम में कुछ भी गलत नहीं है, लोगों के जीवन में खुशियाँ लाना कोई बुरी बात थोड़ी है। वो क्या है ना वनती, मैंने इसे अपने पर्सनल ट्रेनर के तौर पर कुछ वीआईपी कस्टमर्स के लिए हायर किया है। हर कोई इसकी तरह नेचुरली फिट तो हो नहीं सकता है ना, वो लोग बताने में अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं कि फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करना कितना जरूरी है, और कस्टमर की गोपनीयता बनाए रखने के लिए ये बात हम हर किसी से शेयर नहीं कर सकते ना। देखा, डॉक्टर ने सब कुछ खुद ही बता दिया। डॉक्टर यहाँ आएंगे, कुछ बात करनी है। जो कहना है सबके सामने कह डालो ना। ऊपर आइए ना प्लीज, कुछ अर्जेंट बात है। ऊपर बिजनेस के सिलसिले में कुछ बात करना चाहता है। हाँ जाइए ना, बात करके मजा आया। मैडम आप अभूतपूर्व सुंदर हैं, इतनी उम्र में भी कितनी फिट हैं। ये डॉक्टर एक आम इंसान। प्रभु प्रभु, मैं तुम्हारे घर तक आ चुका हूँ, तुम्हारे हृदय में मेरे लिए कोई जगह है? चौक कर रहे थे आप, मेरा पीछा करते करते मेरे घर तक आ गए, मेरी माँ और दादी को भी बता दिया। क्या हो गया है आपको, ये सब करने में शर्म नहीं आती? आप सच में डॉक्टर ही हो या कोई और दूसरा काम भी करते हो? हे हे, जबान को लगाम दो, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। तुम्हें पता है मैं लंदन रिटर्न एफआरसीएस हूँ, और बताया था कि सब कुछ लीगल होगा, इसमें नया कुछ भी नहीं है, ये सारी परंपराएं प्राचीन काल से चली आ रही हैं। तुमने पढ़ाई नहीं की क्या? हाँ, नहीं मैंने नहीं पढ़ा। उस जमाने में जब किसी के घर बच्चा नहीं होता था ना, तो कोई ऋषि मुनि महर्षि घर में आकर तथास्तु कह के हाथ उठा देते थे, और उसके बाद वो बच्चा प्रकट हो जाता था। ये प्रथा हमारे यहाँ प्राचीन काल से चल रही है, लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ आकर हमें इस बात पे कन्विंस कर दिया कि ये सब कुछ भी नहीं है, बस एक मिथ है, और उन लोगों ने इसका बिजनेस शुरू कर दिया। और मैं भी तुम्हें इस बिजनेस में एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, अब तुम्हें जो भी करना है वो सीधा मेरे मुंह पे बात करो ना। मुझे नहीं बात करनी। अफसोस इसे अपनी कीमत नहीं पता। जब से उसकी मल्टीपल ऑर्गन फेल हो गई थी, तब से वो सपोर्ट सिस्टम के सहारे ही जी रही थी। दवाई उस पर कोई असर नहीं कर रही थी। उसे ठीक होने के लिए एक मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत थी। सॉरी टू से दिस, योर वाइफ हैज गिवन अप। एक्सक्यूज मी, सॉरी मनोज, आई नो इट्स डिफिकल्ट, पर डिसीजन तो आपको लेना ही है। थैंक्स।
सिट डाउन। सर बैठिए सर। नो सिट सिट सिट। सर हाँ आपकी वाइफ कैसी है अभी? मैं दो मिनट में आया। कोच हाँ क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा कि तुम उसे ले जाओ, वो कुछ नहीं कर सकता। शीला मेरे सामने मुझे छोड़ के जा रही है और मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मैं उतना स्ट्रांग नहीं हूं यार। कोच नहीं हूं मैं। कोच गलती मेरी है प्रभु, मैं अपने स्वार्थपन में अंधा होकर के उसके मुस्कुराहट के पीछे के दर्द को नहीं देख पाया। उसे एक ही चीज की इच्छा थी कि हमारा एक बच्चा हो। वो मां बनना चाहती थी लेकिन मैं उसकी इच्छा पूरी नहीं कर सका। हम लोग कई मंदिरों में और कई हॉस्पिटल में गए, दिक्कत उसमें नहीं थी, मुझ में थी। कोच मुझे पता था लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था। बड़ा मर्द समझता था अपने को, फिर भी आखिरी क्षणों तक उसे यह दुख था कि वो मुझे छोड़ के जा रही है। प्रभु साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है लेकिन मैं कभी तरक्की नहीं कर पाया, है ना? सोफिस्टिकेशन, यही वर्ड मैं याद करने की कोशिश कर रही थी। ओ हम सिएटल में सेटल होने का प्लान कर रहे हैं। A child needs to adopt to the place. Yes. It's highly competitive over there. Yes, 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 yes. I want a girl like Vidya Vox. Absolutely. Petromax के बारे में आपके क्या विचार हैं? मैं आ रहा हूँ क्या? हाँ ठीक है मैं रुका। Don't worry, आपको एक स्टार डोनर मिलने वाला है। Vidya Vox को भूल जाइए, लेडी गागा मिल सकती है। आप अगले वीक आ जाइए, तब तक मैं सब रेडी करके रखूंगा। आपको एडवांस दूं क्या? मैं सारा पैसा एक साथ ही ले लूंगा। थैंक यू डॉक्टर। पेट्रोमैक्स कितना चीप जोक था। डू यू थिंक ही विल बी एबल टू पुल इट ऑफ? डोंट बी सो नेगेटिव, मे बी ही विल। देखिए आप ऐसा मत सोचिए कि मैं आपके पैसे के लिए यहाँ पर आया हूँ। ओके और एक और बात, ये भी मत सोचिए कि मैं ये काम परमानेंट करूंगा। इसकी जरूरत ही नहीं है। अगर मुझे ये अनकंफर्टेबल लगा तो मैं ये छोड़ दूंगा। वेरी फेयर। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। 100% प्रॉमिस करता हूँ, ऊपर वाले की कसम खा के कहता हूँ। तुम चाहो तो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ सकते हो। मैं इसे पर्सनल रीजन से कर रहा हूँ, पैसे के लिए नहीं। हाँ वो अरे ठीक है ठीक, आओ आओ इधर आओ इधर आओ। हाँ इधर। वाह प्रभु वाह, तुमने गौर किया? यहाँ पे एक भी सीसीटीवी नहीं है लेकिन हमारे पास एक 15 इंच का टीवी है और अंदर एक लाइब्रेरी भी है। हाँ आओ आओ। तुम जो करने जा रहे हो वो कोई ऐसा नहीं है, वो एक सेवा है। इसकी जीत में आपको खुशी नहीं मिलेगी लेकिन आपकी वजह से कई घरों में खुशी आएंगी। तुम्हें इसमें करना क्या है कि सर मुझे और नहीं सुना। आप जाइए ना। हाँ मैं जा रहा हूँ। हाँ। तुम भी जाओ। Yes! आज मैं तुम्हें शुरुआत जाएगी मेरा मन मेरा मन। डॉक्टर ये क्या? मुझे पैसे नहीं चाहिए। प्रभु क्लाइंट मुझे भी जब ये देते हैं तो मैं कैसे लेता हूँ ये मैं ही जानता हूँ, तो तुम भी एडवांस है ले लो ना। क्या कह रहे हो, ये सिर्फ एडवांस है? हाँ, हाँ
जब तुम ब्लड डोनेट करते हो तो तुम्हें बिस्किट और जूस चाहिए होता है ना। तुमने तो यहाँ पे जिंदगी दान की है। ये तो सिर्फ टेस्ट सैंपल के लिए लिए हैं। रिपोर्ट आई तो मैं तुम्हें ऐसी ग्लैमरस जिंदगी दूंगा जो सोची नहीं होगी। ले लो। हाँ बोल चिन्ना। हे डॉक्टर, तुमने अभी जो सैंपल टेस्ट के लिए भेजा वो लड़का कौन है? हे, एनी प्रॉब्लम? बड़ी प्रॉब्लम है। क्या सच में? तुम्हारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, इस देश के लिए है। अगर ऐसे ही कुछ लड़के और मिल जाए तो देश की जनसंख्या को कोई नहीं रोक मतलब पाएगा। जय हो। चाहे जो भी हो, लेकिन तुम्हें एक सही जीन मिल गया है, समझे? आगे बोलो। मुंह तो खोलो। लगता है उसका स्पर्म काउंट 100 मिलियन पहुंच जाएगा। है? उसका मोर्टिलिटी रेट भी महान है। डबल जय हो। तुम्हें वो कैसे मिल गया? वैसे लोगों को पाने के लिए तो बड़े-बड़े हॉस्पिटल से स्ट्रगल कर रहे हैं। एक बात बताऊं तुम्हें, तुम्हें बाहर करके मुझे बड़ा मजा आ रहा है। मैं आपको 25 सालों से जानती हूँ। जब तो कोई कारण न हो ना, आप ऐसा नहीं करती। वानती, तुम्हें एक बात का क्रेडिट मिलना चाहिए। अकेली होने के बावजूद तुमने बिजनेस को संभाला, बेटे को बड़ा किया। वाह 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 वाह। ओके 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 ओके, मैं आपके लिए एक अच्छा सा कार्ड ड्रॉप कर दूंगी। लेकिन जानती हो ना, तुम्हें पसंद किसने किया था? मैंने। मुझे पता था कि ये टॉपिक आने वाला है। मैम, जो लड़की आपके घर में आएगी ना, वो जरा जाकर फोन देखोगी प्लीज? पारंपरिक पार्लर, गुड इवनिंग। हेलो, मैं निधि बोल रही हूँ। हाँ, कल मेरी एक डिलीवरी ड्यू है, उसे प्रभु के हाथ भिजवा देना। जस्ट रिमाइंडर। ठीक है ठीक है, और कुछ? सब अपने बारे में ही सोचते रहते हैं। ए, कहाँ जा रही हो? हे, पागल हो गई हो क्या? वो खुद को समझती क्या है? हाँ, प्रभु से भिजवा देना। किसने कहा? वही लड़की जो उस दिन यहाँ आई थी, आईब्रोज। हे, निधि ने फोन किया था? क्या कहा उसने? वो आईब्रो वाली है ना, तुम्हारी रेंज से बहुत बाहर है। तुम्हें उससे शादी करनी चाहिए जो तुमसे प्यार करे, वही तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं सतीश को फोन लगाता हूँ, तुम एक काम करो, उसे हाँ कह दो, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है वो। बढ़िया है, मुझे ज्ञान देने वाली बात करो ना। छोड़ो। अरे सुनो, क्या वो? अच्छा, निधि को फोन करके बोल देना मैं कल 1 बजे उसके पास आ रहा हूँ। तुमने कॉल किया था मुझे? मुझे मिस कर रही हो क्या? हाँ प्रभु, बहुत ज्यादा। यहाँ तक कि तुम्हारी फोटो कंप्यूटर पर देख रही थी। जरा दिखाना। ओके, फॉलो मी, आई हैव समथिंग फॉर यू। आई हैव गॉट यू समथिंग, जाकर ट्राई करो ना। ओके। सुनो, कुछ खास बात है क्या? बाद में बताती हूँ, ट्राई करो। प्रभु, शाम का कोई प्लान है? शाम में एक डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। डॉक्टर, आर यू ओके? हाँ मैं ठीक हूँ। वेल, सोच रही थी अगर तुम फ्री हो तो। निधि, जो भी कहना है कहो ना, जस्ट आस्क मी, बताओ कहाँ जाना चाहती हो, चलते हैं। वो एक शादी में जाना था। ओके। तुम साथ चलोगे तो अच्छा होगा। हाँ चलो प्लीज। वैसे शादी किसकी है? एक फैमिली फ्रेंड की बेटी है। ओ, तुम्हारी फैमिली से और कोई नहीं है? पापा कोर्ट में हैं और आंटी को कहीं भी बाहर जाना पसंद नहीं। हाय निधि। ओके, तुम यहाँ 5 मिनट बैठो। हाँ, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। ओके, श्योर, कैरी ऑन।
तुम्हारे साथ यहाँ क्या वही बहुत है। क्या बात है, नजदीकियां बढ़ रही हैं। सो निधि, अब इसके बाद क्या प्लान है? नथिंग, घर जाना है। ओके, अभी सिर्फ 8 बज रहे हैं, हम लोग कहीं और चल सकते हैं। प्रभु, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग विद मी, बट दिस इज नॉट अ डेट। मुझे ये शादी अटेंड करनी थी, मैं अकेली आती तो लोग मुझसे पूछते मैं सिंगल की हूँ और बातें करते। इतने रिश्तेदार हैं यहाँ, कोई प्रपोजल ले आते, यू नो हाउ इट इज। पर कोई लड़का साथ में हो तो आपस में बात करेंगे, पर मुझसे कुछ नहीं कहेंगे। राइट। सॉरी, ये मत सोचना मैंने तुम्हें यूज किया। प्लीज, नॉट एट ऑल, इट्स ओके। मुस्कुरा क्यों रहे हो? तुमने अभी अभी दो बड़ी बातें कही। पहली, तुम मेरे साथ सेफ महसूस करती हो, और दूसरी ये कि तुम सिंगल हो। प्रभु, नहीं नहीं, मैंने ऐसी कहा, तुम नर्वस मत हो। नो नो, आई मीन, अरे मैं बिना कुछ भी कह देता हूँ, चलो चलते हैं, आ जाओ। तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो प्रभु? तुम मुझे इतनी अटेंशन क्यों देते हो? व्हाट यू वांट फ्रॉम मी? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे ऐसा सब पूछोगी, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है। चाहे मैं जिंदगी में कभी कुछ कर ना पाऊं, पर मुझे पता है कि कुछ लोग हमेशा मेरा साथ देंगे, मेरी माँ, दादी, कोच और मेरे फ्रेंड्स भी। लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि दुनिया बहुत बड़ी है और मैं बहुत ऊपर जाना चाहता हूँ। ओ वाह, तुम्हारी वजह से मैं फिलोसोफर हो गया। बट मेरा मतलब ये था कि आई एम अ डिवोर्सी, 2 साल हो चुके हैं। ही वॉज अ फैमिली फ्रेंड, हमारे बीच प्यार हुआ और फिर हमने शादी की। हमने पूरी लाइफ का प्लान बनाया था, बट जिंदगी वैसे नहीं चलती जैसी हम चाहते हैं। या I wanted to have a baby, पर उसके लिए उसका करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और मैं ये बात समझ गई थी, you know, hoping that one day we will start a family, पर वो दिन कभी आया ही नहीं। एंड लेटर आई रियलाइज्ड कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था। दैट क्रश्ड मी प्रभु। मैं जानती हूँ कि मैरिज इज नॉट ईजी, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, अच्छा होगा बुरा होगा, आई कैन डील विद ऑल दैट, बट दिस, मुझे लगा मुझे तुम्हें बता देना चाहिए। अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया है तो आई एम रियली सॉरी। सुन प्रभु, वो अपनी जिंदगी के बारे में सब बता रही है, ये तेरे लिए एक बेस्ट चांस है, उसके पैरों में गिर जा और सच्चाई बता दे। आई एम अ स्पर्म डोनर, आई एम अ स्पर्म डोनर, आई एम अ स्पर्म डोनर, कह दे उसे, कम ऑन, यू कैन डू इट। वो एक भी कॉल का जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन पूरी रात उसका फोन बिजी आता है। कुछ झोलमाल लग रहा है मुझे। कमू, करेक्ट डॉक्टर,
मुझे लगता है वो किसी कॉल सेंटर में काम करता है। मेरे जैसी मूर्खतापूर्ण बात तुम भी सोच सकते हो। डॉक्टर, हो सकता है वो किसी से प्यार करने लगा हो। मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कि उसके प्यार में कोई पड़ गई है। हे, चलो गाड़ी से उतरो। देखो मुझे बहुत सारा काम है, मुझे जल्दी जाना है। तो मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? ऐसे ब्रेकअप करोगे तो सबको पता चल जाएगा। ब्रेकअप? हम लोग रिलेशनशिप में कब थे जो ब्रेकअप होगा? देखो कल्पना, हम लोग बचपन से सिर्फ फ्रेंड्स हैं, सिर्फ फ्रेंड्स, इसलिए इस तरह की फालतू बातें सोचना बंद कर दो। चलो अब जाओ। ओ, ऐसी बात है, मैं समझ गई। आईब्रोज, वही लड़की है ना? मैं तो उसी दिन समझ गई थी उसके बारे में। रुको, उसे डॉक्टर के बारे में बताती हूँ। हे, किस डॉक्टर की बात कर रही हो? मैं जानती हूँ तुम्हारा अंग खराब हो गया और उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। क्या ट्रीटमेंट? सब जानती हूँ मैं। ओ जाओ बता दो, बता दो उसे। और जोर से हंसो, अभी जाकर सबको बता दूँ, फिर तुम देखना, समझे? जाओ जाओ जाओ, जो करना करो, माइक पर चिल्लाओ, लाउडस्पीकर लगाओ, जो करना करो, जाओ। ए, प्रभु, कहाँ गायब हो गए थे? तुमने मेरे एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। तुम्हें पता है मैंने कितने पेशेंट्स के अपॉइंटमेंट्स कैंसिल किए हैं? देखो, मुझे अप्लाई करने के लिए तुम्हारी सप्लाई की हमेशा जरूरत पड़ेगी। अगर तुम रिप्लाई नहीं कर सकते तो मैं क्या करूँगा? देखो प्रभु, क्या मैंने तुम्हारे साथ कोई गलत व्यवहार किया है? दरअसल मुझे प्यार हो गया है। मुझे पता था, और मैं उससे शादी करने वाला हूँ। मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। पता है, जब तुम प्यार करोगे तो तुम्हारी क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगी, और जब तुम शादी कर लोगे तो क्वालिटी भी खत्म हो जाएगी। यू नो, मैरिज लाइफ इज वेरी स्ट्रेसफुल लाइफ। मैरिड लोगों की आत्मा गरीबों से भी बदतर हो जाती है, लेकिन एक बैचलर का जीवन पता है। स्पर्म, 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 24 घंटे आपके स्पर्म के बारे में सोचते। लाइफ में स्पर्म के अलावा और भी बहुत कुछ है डॉक्टर। ऐसा नहीं है, आप मुझे एक मशीन समझते हैं। आप अपने पेशेंट्स की फीलिंग बराबर समझते हैं। मैं जो कह रहा हूं उसे भी समझिए ना। देखिए डॉक्टर, मैं उसके प्यार में पागल हो गया हूं। प्यार में पड़ना खुद ही एक पागलपन है। आप फालतू बातें करना बंद कीजिए। मैं उसके साथ एक खूबसूरत जिंदगी जीना चाहता हूं, सेटल होना चाहता हूं। स्पोर्ट्स कोटे के जरिए मुझे एक नौकरी मिली, मुझे उस पर फोकस करना है। जॉब मिल जाएगी तो शादी भी हो जाएगी। आप ही बताइए डॉक्टर कि मैं ये सब कुछ निधि से कब तक छुपाते रहूंगा? तो देखिए आप प्लीज कोई दूसरा डोनर ढूंढ लीजिए, ये हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। डॉक्टर, मैं जा रहा हूं डॉक्टर। मिस्टर पनीर सेल्वम, मैंने स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू नौकरी के लिए एक लड़के की एप्लीकेशन दी थी, वो याद है तुम्हें? ऑफिस में जो शेडिंग मशीन रख रही है वो ठीक से काम कर रही है ना? तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। प्लीज ये मत समझना कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा हूँ। थैंक यू।
डॉक्टर, लंदन में FRCS की पढ़ाई करके तुम यहाँ सब्जी ढो रहे हो, शर्म नहीं आ रही है? क्लाइंट सबसे बड़ा होता है, ये बात कोई नहीं जानता कि मैं एक फर्टिलिटी डॉक्टर हूँ, हमें ये सब नहीं सोचना चाहिए। हेलो, एंड यू आर? मैं पीए। ओह, आई एम डॉक्टर कन्नडासन। कन्नडासन डॉक्टर सर, तुम्हें कोई बच्चा है? मेरा क्लिनिक ही मेरा बच्चा है सर। मैं जो पूछता हूँ सिर्फ उसका जवाब दो। मेरे ज्योतिषी ने मुझे बताया था कि मैं अगर ऐसा करूंगा तो गुरु ग्रह मुझसे रूट जाएगा। क्या मतलब? मैं वैवाहिक जीवन नहीं जी पाऊंगा। उन्होंने मुझे कहा कि कुंवारा रहना ही बेटर है, इसलिए मैं कुंवारा हूँ। मेरी शादी के 8 साल हो गए हैं। लेकिन सर की वाइफ को शादी हुए 9 साल हो गए। हाँ सर, उनको काउंसलिंग करने में 1 साल लगे थे ना। हाँ, अगर लॉजिकली देखा जाए तो 9 साल हुए हैं। अच्छा। मैंने इस बिजनेस से बहुत पैसे कमाए हैं और अब हमें एक वारिस की जरूरत है। पॉलिटिक्स आपके लिए बिजनेस है? आपकी इच्छा पूरी होगी, कन्नडासन पर ट्रस्ट कीजिए, आपकी इच्छा जल्दी पूरी होगी। बात तो अच्छी कर लेते हो, आप भी कम नहीं तो 3 महीने के अंदर असेंबली में मुझे एक नया पोस्ट मिलने वाला है। उसके पहले मैडम का प्रेग्नेंट होना जरूरी है। जब मैं अपने पास्ट के बारे में सोचता हूँ तो मुझे इस पर घमंड होना चाहिए। अरे भाई, बाप बनने का घमंड 100% होगा सर, आपके पूरे फेस पे घमंड होगा। हाँ तो भारी दासन कन्नडासन सर, कन्नडासन बच्चे का पिता कौन होगा? सर वो सर, तो मैं इस बारे में आप चिंता मत कीजिए सर, किसी को पता नहीं चलेगा डोनर कौन होगा, सीक्रेट होगा। चुप चुप करो, वो मजाक कर रहा था सर, बच्चे के पिता तो आप ही होंगे सर। आखिरी तक मैं ही रहूंगा ना? एकदम आखिरी तक सर। और अगर तुम्हारे बच्चे खत्म हो गए तो, मतलब तुम्हारा क्लिनिक बंद हो गया तो फिर क्या खत्म हो जाएगा? सांस। हाँ, तुम्हारी सांस। सांस, जाओ अब जल्दी काम करो। क्यों, इंटरव्यू देने जा रहे हो? अब क्या बताऊं आपसे, काम ढूंढने में दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा। फास्टर फास्टर। कोच, आपने कहा था कि आप किसी को जानते हैं, तो क्या आप मेरी एप्लीकेशन स्टेटस के बारे में पता लगा सकते हैं प्लीज? हे उमर। हाय। एक रास्ता तो है, चलो यहां से चलते हैं। हाय वर्षा। हाय शंकर सर, यहाँ सर अपने कैबिन में हैं। हाय मनोज, ये मुझे दो, तुम यही रुको। हाँ शंकर सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओह वाओ, क्या व्यू है। एप्लीकेशन दी किसने थी? अभी तक यहाँ पहुंची नहीं है। रियली? वो वहाँ खड़ा है। हाय। हाय। मैं यहाँ ज्वाइन करने वाला हूँ। ओके, गुड गुड गुड। थैंक यू सर। थैंक यू। हे प्रभु, माउंट रोड की बात ही अलग है। प्रभु क्यों, दिन में सपने देख रहे हो क्या? वो मैं विंडो से बाहर देख रहा था। तुम्हारा एप्लीकेशन यहाँ नहीं पहुंचा है क्या? ऐसा लगता है बीच में किसी ने अटका दिया है। कोच, मैं ऑलरेडी 3 बार अप्लाई कर चुका हूँ, अभी तक कैसे नहीं पहुंचा? मैं बिना नौकरी के उसका सामना कैसे करूंगा? किसका सामना? क्या वो तमिलियन है? यस पापा, हिज फैमिली इज फ्रॉम तंजोर। कौन सा बिजनेस करता है वो? वो बिजनेस नहीं करता पापा। तो तुम जिसके साथ सेटल होना चाहती हो वो लड़का जॉब ढूंढ रहा है? हाँ यस पापा, वो जॉब ढूंढ रहा है, उसके बाद हम शादी कर लेंगे। ही इज जॉबलेस टू। जॉबलेस नहीं है पापा, फ्रीलांसर है। ये तो तुमने मुझे नहीं बताया। क्या वो तुम्हें चिकन लेग खिला सकता है जो तुम्हें बहुत पसंद है? पापा फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम साथ रहते हैं आई कैन अफोर्ड अ फुल तंदूरी चिकन एवरी डे लाइफ लॉन्ग, पर अगर मैं उसे दूं भी तब भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। प्रभु वेजिटेरियन है। क्या वो वेजिटेरियन है? क्या उसका पूरा परिवार वेजिटेरियन है? I don't like this at all. Oh my God. अरे तुम पूरी तंदूरी चिकन खा लेती थी जब तुम सिर्फ 3 साल की थी। Take it from me, my dear. वो शादी करने के बाद तुम्हें एक अंडा भी नहीं खाने देगा। फिर तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। First of all, प्रभु इस टाइप का लड़का नहीं है। वो मुझसे शादी करना चाहता है। और उसके लिए मैं थोड़ा तो चेंज हो सकती हूँ ना? He'll be worth it. सबसे बड़ी बात कि वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता। वो मुझे कभी दुख नहीं देगा डैड। I've seen it in his eyes. क्या उसकी फैमिली को पता है कि तुम डिवोर्सी हो? डिवोर्सी है। तुम मेरे इकलौते बेटे हो। तुम्हारी शादी में एक तलाकशुदा औरत के साथ कैसे कर सकती हूँ बताओ तो? प्यार से और चुप जाओ।
अगर वो किसी और जगह से होती या किसी और धर्म की होती ना, तो मैं कभी भी मना नहीं करती। मैं खुद तुम्हारी शादी करवाती उससे। क्या हो गया माँ? वो कर्नाटक से ही तो है। जानती हो, तुम मुझे चिढ़ाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो ना? जानते हो हा? मैं पानी के बगैर मर जाऊंगी, लेकिन वो एक गिलास पानी नहीं पूछेगी। और सांभर बनाने के लिए कहूंगी तो शक्कर और गुड़ डालकर मीठा पानी बना देगी। माँ, वो वैसी लड़की नहीं जो सांभर बनाएगी। उसके सामने सांभर और ये सब के बारे में बात मत करना। वही तो, वो नॉन वेजिटेरियन है माँ। कान खोलकर सुन लो, उससे शादी की बात तो भूल ही जाओ, और अगर नहीं तो फिर मुझे भूल जाओ। ये सब इसका ड्रामा है बेटा। शुरू में सारी माएं ऐसा ही करती हैं, बाद में सब ठीक हो जाता है। निधि के पेरेंट्स से बात करके उन्हें यहाँ बुला कर ला, आगे देख लेंगे। हाँ ए हाँ, करो करो ठीक से। ये क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो, शादी की तैयारी कैसी चल रही है? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। अब क्या बताऊँ, उसकी फैमिली ने मेरे घर आने से मना कर दिया है और मेरी फैमिली भी नहीं मान रही। आपके जितना टैलेंट होता तो अब तक शादी हो गई होती मेरी। सॉरी सॉरी, आप क्या कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल वो मेरा जॉब कैंसिल। बोलते रहिए। हाँ अच्छा सुनिए डॉक्टर, आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के पनीर सेल्वम के बारे में याद है? मेरी फाइल उसने आगे नहीं भेजा। आप उससे बात कर सकते हैं कि मेरे जॉब एप्लीकेशन का आखिर स्टेटस क्या है? बहुत हेल्प हो जाएगी मुझे। फाइल को बुक करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा काम करना होगा। हमारी बात मानेगा तो हम इसका काम कर देंगे। बोलो साहब। अरे फाइल वहाँ कैसे? उससे कहा गया था कि तुम्हारी एप्लीकेशन फाइल को मशीन में काट दिया जाए, तो उसके बारे में हमसे क्यों पूछ रहे हैं? फिर से अप्लाई करो। ये सब डॉक्टर ने कहा है। अरे इसने बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस दी है डॉक्टर। आप अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये बताइए, मेरा दिल तोड़कर आपको क्या हासिल हुआ? लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं, मुझे इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी डॉक्टर। ये सब प्रार्थना करने का नाटक बंद कीजिए। पता है मैं आपको अपने पिता की तरह मानने लगा था, लेकिन आपने मेरा दिल तोड़ दिया। मैं ये काम छोड़कर शादी करना चाहता था। बिग कंपनी, थर्ड फ्लोर पर मेरी कॉर्नर ऑफिस, खिड़की से माउंट व्यू रोड का नजारा। आपने मेरे सपने चूर चूर कर दिए, और मैं पागलों की तरह आपके पास आया कि आप मेरी कुछ हेल्प कर देंगे। आपने ये बहुत गलत किया। मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। डॉक्टर, अरे तुमने सारा भेद क्यों खोल दिया? काश इससे अच्छा मार मार के तुम्हारा नाक तोड़ के खराब कर दिया होता। डॉक्टर, वो तो आपका पहले ही खराब हो चुका है। जाइए, जाकर कुछ अच्छा काम कीजिए, जाइए। हाँ निधि, बोलो। हे, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा फैमिली फ्रेंड आ रहा है? ये तुम क्या कर रही हो? फैमिली फ्रेंड कौन आया है? लोग इससे ऐसे मत हो सकते हैं, लेकिन पता मेरी फेवरेट डिश क्या है? अचार। ओह, सेम पिंच। सीरियसली, मेरा भी फेवरेट है। आओ प्रभु, आओ आओ, तुम भी आ जाओ। मैं अभी तुम्हारे जॉब के बारे में बात कर रहा था। आप क्या कर रहे हैं? टेक अ सीट सन। थैंक यू। इसने परफेक्ट नौकरी ढूंढी है। टॉप फ्लोर, विंडो के सामने की सीट, सामने से माउंटेन्स दिखते हुए रोड का नजारा। इसने अपने फुटबॉल के मेरिट पर ये जॉब ढूंढा है सर। पता है, प्योर गोल्ड है ये। कितने कैरेट का प्रभु? क्या बात की आपने। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर तो कमाल का है सर। आपका होम टाउन कूर्ग कॉफी के लिए फेमस है ना? हाँ बिल्कुल। तो एक कप कॉफी कैसी रहेगी? निधि, why don't you get him some coffee? Yeah. Without sugar for me. हैं? दोनों same to same, वाह! Same taste. दोनों में कितना कुछ common है. ईमानदारी से कमा कर ऐसा घर कभी नहीं बनाया जा सकता। Bye निधि,
एक मिनट रुक जाओ और मुझसे भागने की कोशिश मत करो। नो स्ट्रेस, नो स्ट्रेस। मैंने तुम्हारे लिए वो जॉब पूरा सिक्योर कर दिया है। टॉप फ्लोर वाला? यस। वही वाली सीट? यस। माउंट रोड का नजारा? यस यस। कैसे किया आपने? अब हैं? मेरा मतलब कैसे किया आपने डॉक्टर? मैंने तुम्हें ये जॉब दिलाने के लिए बस कुछ लोगों को ब्लैकमेल किया। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेरे लिए क्यों किया? तुम मुझे जितना बुरा इंसान समझते हो ना, मैं उतना बुरा इंसान भी नहीं हूँ। जाने दो ना वो सब बातें। तुम्हारी शादी फिक्स करने के लिए और तुम्हें जॉब दिलवाने के पीछे मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं उतना अच्छा भी नहीं हूँ। मुझे सब पता है। पता है मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ क्यों कर रहा हूँ? सही वक्त आने दो, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। और हाँ, जल्दी से जल्दी अपनी मैरिज के लिए हॉल बुक कर दो, क्योंकि आजकल दूल्हा और दुल्हन मिलना बहुत ईजी है। मुश्किल होती है तो बस मैरिज हॉल ढूंढने में। जाओ और काम पर लग जाओ। निधि डिवोर्सी है, ये बात जरूर प्रभु ने आपको बताई होगी। जब प्रभु को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसका फैसला हमारा फैसला है। तुम यहाँ आकर बैठो ना। और वैसे भी देखा जाए तो आजकल जमाना इतना इतना आगे बढ़ चुका है कि क्या कहें। बैठो बेटी। 25 साल पहले की बात है, मैंने इससे कहा था कि शादी कर ले। तब भी मेरे विचार ऐसे ही थे। निधि तो बहुत छोटी बच्ची है अभी। आपके हस्बैंड? मैंने कभी शादी नहीं की क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। छे छे, अपने बारे में ऐसी नेगेटिव बातें नहीं करते। आजकल हर उम्र के लोगों के लिए मैट्रिमोनी वेबसाइट उपलब्ध है। शादी के लिए बेस्ट वेजिटेरियन कैटर आपको यहाँ मिल जाएंगे। आपको थोड़ा अलग लगेगा लेकिन प्रभु को भी वही सब पसंद है। वेजिटेरियन फूड? प्योर वेजिटेरियन, दोनों दिन के लिए। बिल्कुल। हाँ, तो गेस्ट लिकर का एंजॉय कैसे करेंगे? लिकर? ये क्या होता है? ड्रिंक्स कह रहे हैं ये। एक्चुअली हमारे यहाँ शादी में ये सब नहीं चलता, सो लिकर इज नॉट अलाउड। नहीं नहीं नहीं, हम आपकी बात से सहमत नहीं है मैडम। ऐसा नहीं हो सकता है, हम लोग नॉनवेज जरूर रखेंगे मैडम। आप ही समझाइए ना, ये कैसे हो सकता है? शहर में चलता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं पड़ेगा। प्योर वेजिटेरियन ही नाराज हो जाएंगे। देखिए, आप हमारे बात समझने की कोशिश कीजिए। वेजिटेरियन है, डोंट वरी मैडम, मैंने उन्हें कहा कि केवल दादी माँ और आपको प्योर वेजिटेरियन खाना दें। थैंक यू। सही किया ना? चीयर्स। हाँ प्रभु, आई होप दिस हाउस इज ओके फॉर यू। मैंने गेस्ट रूम में अपना कुछ सामान रखवा दिया है, इस वीकेंड के आखिर में उसे हटवा दूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं अंकल, ये बहुत ही बड़ा घर है। ऑल गुड। ओके, आप रुकिए अंकल, मैं देखता हूँ कौन है। आप लीजिए ना। डॉक्टर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रभु कौन है? डॉक्टर कन्नड़ा सेन प्रसाद। आप हैं, आइए साथ में खाना खाते हैं। आइए आइए। तुम जरा एक मिनट के लिए मेरे साथ जरा साइड में आओ। इधर आओ, इधर आओ। क्या हो क्या? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। फोन नंबर है ना मेरा, उस पे कॉल लगा लेते। तुम जानते हो मुझे क्या चाहिए, वो काम फोन पर नहीं हो सकता है। तुम इतनी बात क्यों नहीं समझते? हाय हेलो। हाय सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत ही अच्छा हूँ। मैं कह रहा था कि निधि, मैं कह रहा था कि शादी के बाद तुम्हारी लाइफ सुधर जाएगी। शादी के बाद मुन्ना, पिंकी, रीनू, टिंकी, आई जॉन यू। सुंदर है ना? चाहते क्या है आप? जो जो तुम अपनी मर्जी से कभी नहीं छोड़ सकते हो। टॉप फ्लोर का ऑफिस, कॉर्नर की सीट, सामने माउंटेन रोड का व्यू, प्लस उस लड़की से शादी। देखो मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं, ये सब तुम्हारी भलाई के लिए है। एहसान जता रहे हैं? छी छी, तुम्हें मुझसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे पिता समान हूँ, तो तुम ऐसा क्यों सोचते हो? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं ब्लैकमेल करके तुमसे काम करवा रहा हूँ? हैं? तुम तो ये सोचो कि मैं तुम्हारे लिए जो कर रहा हूँ उसके बदले में तुम क्या कर सकते हो। चुप, कल हनीमून कल जाना है ना। हनीमून आज तो बेस्ट लाइफ जी लो, बस आखिरी बार बोल रहा हूँ मैं। ये देखो मैं ये भी साथ लेके आऊँ, ये लो पकड़ो प्लीज। नहीं। हाय प्रसाद। हाय वालती। अरे वाह, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए। ऐसा रखो और डॉक्टर से कहना कि दोबारा आने की यहाँ जरूरत नहीं है, अब सब कुछ सेटल हो चुका है, अब जाइए यहाँ से जल्दी। हैप्पी मैरिड लाइफ प्रभु, एंजॉय। अब मैं रास्ता दिखा रहा था, आ जाओ चलते हैं।
मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? मुझे लगता है मैंने जिंदगी में जो चाहा था वो सब मुझे मिल गया। बहुत लकी हूँ मैं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। रियली? और तुम्हें? हे, बोलो ना, मुझसे क्या शर्माना? आई वॉन्ट टू हैव अ बेबी। ये क्या डॉक्टर, मैंने आपको उस दिन साफ साफ कहा था ना। एक मिनट, जरा इसे देखो। ये क्या डॉक्टर, इतने पैसे? हनीमून से पहले जो तुमने आखिरी बार डोनेशन दिया था ना, वो एक बड़े नेता के लिए था। तुम्हारी वजह से वो पिता बन गया है, तो उसने खुश होकर इतना पैसा दे दिया। ले लो, ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए है। डॉक्टर, मैंने आपको उस दिन साफ साफ कहा था ना कि मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप मेरी बात सुनते ही नहीं और आ जाते हैं। अब मैं नई जिंदगी जीना चाहता हूं डॉक्टर। आपकी वाइफ के यूट्रस में प्रॉब्लम है और उसके ट्यूबल में ब्लॉकेज भी है। क्या हो गया निधि? वो नेचुरली तरीके से कंसीव नहीं कर सकती। क्या कोई दूसरा तरीका है या ट्रीटमेंट? मैं आपकी सिचुएशन समझ सकती हूँ मिस्टर प्रभु, लेकिन कुछ औरतों की बॉडी बच्चा पैदा करने के लिए परफेक्ट नहीं होती। मैं आपको झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती। ये निधि के लिए बहुत टफ समय हो सकता है, ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी। इस समय इसे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत जरूरत है। हे भगवान, ये सब सिर्फ हमारे साथ ही क्यों होता है? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? ये सारे कष्ट भगवान हमें क्यों देते हैं? प्रभु को अगर उसकी फैमिली ने घर से निकाल दिया तो? प्रसाद, that's not the problem now. हमें सिर्फ इसके बारे में सोचना चाहिए कि निधि इस प्रॉब्लम का सामना कैसे करेगी। मैं खुद परेशान हूँ, but you know what I mean. निधि तो ठीक है ना? दूसरे डॉक्टर्स ने जो कहा वही बात मैं भी कहूंगा। मुझे बहुत दुख हो रहा है। निधि के बच्चा पैदा करने के चांसेस, आई एम सॉरी प्रभु, रियली सॉरी। ये कितनी गलत बात है। निधि को सिर्फ एक ही चीज की इच्छा थी डॉक्टर, उसने मुझसे कभी कभी कुछ नहीं मांगा। मैं उसे ऐसी हालत में नहीं देख सकता हूं डॉक्टर, तकलीफ होती है। She doesn't deserve this. मैं समझ सकता हूं प्रभु, मैं ऐसे बहुत से पेशेंट से डील कर चुका हूं जिन्हें ऐसी ही प्रॉब्लम थी, लेकिन जब अपने किसी करीबी को ऐसा होता है तो कुछ अलग ही महसूस होता है। ओके प्रभु, मैं हमेशा से तुम्हारा बिजनेस पार्टनर था ना, लेकिन अब मैं तुम्हारा डॉक्टर बनूंगा। ध्यान से सुनो, जिस तरह से हम इम्पोटेंसी के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं ना, वही प्रोसेस वीमेन के लिए भी होता है। सरोगेसी, सरोगेसी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक सरोगेट माँ तुम्हारे बच्चे को अपने गर्भ से जन्म देगी और बच्चे के जन्म लेने के बाद वो बच्चा तुम्हारा ही होगा। तुम्हें उस औरत के साथ संबंध बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं एक बच्चा अडॉप्ट करना चाहता हूं। हाँ, अडॉप्शन? तुमने ये कब डिसाइड किया? अभी। तुम कहीं जोश में आकर तो नहीं बोल रहे हो ना? नहीं डॉक्टर,
हमने बहुत पहले बच्चे के लिए डिसाइड किया था, पर उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। बच्चा अडॉप्ट करने के बाद ना, हम दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे डॉक्टर। कितने दिन से निधि के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखी। मुझे लगता है कि यह बिल्कुल सही फैसला है। प्रभु, अच्छा फैसला है, तुम ऐसा सोच सकते हो, लेकिन वैनती इतनी मैच्योर नहीं है, उसे ये समझ में नहीं आएगा। तुम आगे बढ़ो। मैं तुम्हारी दादी की तरह अपने आप को बदल नहीं सकती। अगर मैंने ऐसा किया होता तो आज हम इतने आराम से नहीं रह रहे होते। मुझे अब और कितना बदलना पड़ेगा? मैं आपको बदलने के लिए नहीं कह रहा हूं मां। निधि बहुत दुखी है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप इस डिसीजन पर ट्रस्ट करो। वक्त के साथ साथ आप सब कुछ भूल जाएंगी मां। जब तक ऐसा होता रहता है मुझे ऐसे ही रहने दो। हेलो, वेलकम। डॉक्टर कन्ना दासन ने आपके बारे में बताया है। काव्या यहाँ पर 8 महीने से रह रही है। वो एक बहुत अच्छी जिंदगी जी रही थी। लेकिन पल भर में ही उसकी जिंदगी बदल गई। एक भयंकर एक्सीडेंट में उसके माँ बाप ऑन द स्पॉट मर गए। वो कुछ माइनर इंजरीज के साथ बच गई। उसकी फैमिली में कोई भी उसे पाल पोस कर बड़ा करने की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, तो उन लोगों ने उसे इस अनाथालय में डाल दिया। आप लोग उसी के लिए यहाँ आए हैं। क्या आप उससे मिलने के लिए तैयार हैं? निधि, आई एम सॉरी मैम, 1 सेकेंड। हे निधि, पागल हो गई हो क्या? उठकर बाहर क्यों चली आई? कितनी प्यारी लड़की है वो। और सॉरी प्रभु। निधि, रो क्यों रही हो? पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत डर लग रहा है। एक महीना भी 10 महीने की तरह लग रहा है। सब ठीक होगा ना? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं समझ सकता हूं। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, भरोसा करो, जो तुम्हारी इच्छा थी वो पूरी होने वाली है। प्लीज रोना बंद करो, हमारे सपने जरूर पूरे होंगे। हम लोग आपके साथ काव्या की लालन पालन के लिए भेज रहे हैं। ये एक ट्रायल पीरियड की तरह है। ये एक क्रूशियल टाइम है जो ये डिसाइड करेगा कि आप लोग काव्या के साथ रहेंगे या नहीं। उसके बाद हम लोग अडॉप्शन की फॉर्मेलिटीज शुरू करेंगे। ऑल द बेस्ट। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इसका पूरा ख्याल रखेंगे। काव्या, प्लीज मुझे माफ कर देना, पर कुछ बातों में मैं भी तुम्हारी तरह बच्ची हूँ, इसलिए तुम्हारा सामना करने के बजाय मैं तुमसे छिपती फिरती हूँ। पर मैं जानती हूँ कि मेरी लाइफ बदलने वाली है। अच्छे दिन भी आएंगे और इसकी वजह तुम हो।
अब मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता करना है, तुम्हारी पसंद नापसंद। मुझे नहीं पता तुम्हारे पेरेंट्स कौन थे, ना ये पता है कि उन्होंने तुम्हें कैसे रखा था। मैं नहीं जानती हम तुम्हें वैसे रख पाएंगे या नहीं। पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। हेलो डॉक्टर, हेलो कन्नड़ासन, हेलो डॉक्टर सुन रहे हैं आप? हेलो वहां देखो कौन है। खा लो बेटा। नहीं, मैंने गुस्से में बहुत कुछ कह दिया था, सोचा भी नहीं कि तुम लोगों को कैसा लगेगा। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके माँ। ये मूंगफली कैंडी है, हम सब बड़ी उलझन में थे उस वक्त। मैं समझती हूँ। हे, मैंने केक बनाया है, देखो तो कैसा है। हे वहां देखो मूंगफली कैंडी। हाँ मैं आ रही हूँ, जरा पकड़ो इसे। आ रही हूँ खिलाओ। जानती हो कौन है? हाँ, मेरी बच्ची। पता नहीं अब ये कहाँ गायब हो गए। उसे भी मूंगफली कैंडी बहुत पसंद है। उसे तो पहली बार देखते ही एक लगाव सा होने लगा, बहुत प्यारी है वो। माँ बोलो, तुम्हें माफ कर दिया। बोलो ना कि तुम्हें माफ कर दिया। हाँ। पता नहीं, पर जब उसे पहली बार देखा तो लगा कि कोई अपना सा है। वो तो सच में तुम्हारी ही बेटी है। हाँ। मेरी पोती। हे, तुमने नोटिस किया उसकी आंखों का रंग ना बिल्कुल तुम्हारी आंखों जैसा है। मेरी पोती बुला रही है, जा रही हूँ, बाय। हाँ आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ। Shit.
फोन उठाओ, फोन उठाओ। कहां चले गए हैं ये? कल मुझे ऑफिस में रिपोर्ट सबमिट करनी है, बहुत काम बाकी है। क्यों, क्या हो गया? हेड ऑफिस से बहुत प्रेशर है, एक इम्पॉर्टेंट कमिटमेंट है और सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ, तो जब मैं यहाँ नहीं रहूँगी तो प्लीज़ उसका ख्याल रखना। हाँ हे काव्या, रखोगे ना? हाँ हाँ रखूँगा। 1 2 3 काव्या मैं आंखें खोलने जा रहा हूँ, कहाँ? हेलो 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 हेलो, डॉक्टर कन्नाड़ सेन बोल रहा हूँ, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हेलो, अरे हेलो, कन्नाड़ सेन बोल रहा हूँ। हेलो डॉक्टर कन्नाड़ सेन, मैं यहाँ पर केदारनाथ के दर्शन के लिए आया हुआ हूँ, यहाँ पर नेटवर्क का बहुत इशू है। हेलो, कहाँ गायब हो गए थे, मैं कब से कॉल लगा रहा हूँ? मैंने अभी कहा ना कि यहाँ पर नेटवर्क का इशू है, बताओ आखिर बात क्या है? काव्या क्या मेरी बेटी है? हाँ वो तो मुझे सच बताइए प्लीज। वो क्या है कि वो तुम्हारी बेटी नहीं है, लेकिन उसका जन्म तुम्हारे दिए डोनेशन से ही हुआ है। तो पर तुम्हें कैसे पता चला? आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? क्या लगा आपको, आप मुझसे ऐसे बात छुपा लोगे? आपको लगा कि मुझे सच पता नहीं चलेगा? प्रभु मेरी बात तो सुनो, मुझे लगा था कि तुम्हें इस बात का पता नहीं चलेगा, लेकिन ये बात तुम्हारे और मेरे अलावा और कोई जानता भी तो नहीं है, और ये बात किसी को पता भी नहीं चलनी चाहिए। सो आप चाहते हैं कि मैं सच्चाई पूरी जिंदगी छुपा के रखूं? किसी को तो ये भी नहीं पता कि मैं एक डोनर हूं, और जो बच्चे मेरे घर पे वो भी मेरे डोनेशन से है। क्यों किया आपने ऐसा? प्रभु मुझे आखिरी बार कुछ कहने दो। तुम कल तक काव्या के पिता नहीं थे, तुम सिर्फ एक डोनर थे, लेकिन अब तुम्हारी और निधि की लाइफ में काव्या नाम की लड़की आ गई है। तुम्हें याद है ना एक एमएलए ने उसके लिए कितने पैसे दिए थे? और तुमने उसे लेने से मना कर दिया था, लेकिन मैंने वो पैसे रख लिए थे और एक रियल एस्टेट कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर दिए थे। और किस लिए? तुम्हारे फ्यूचर के लिए। सुनो, खुशनसीब हो कि तुम्हें बहुत अच्छी फैमिली मिली है, और तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास आ गई है, उसे खोना मत। काव्या, काव्या, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए बहुत सारे ऑर्फनेज में भी गया था। काव्या, फिर मुझे काव्या की सच्चाई के बारे में पता चला। देखो मैं एक धार्मिक इंसान हूं, मैं भगवान की शक्ति में विश्वास करता हूं, जरा सोच कर देखो निधि की कंडीशन वैसी क्यों हुई होगी। तुमने मेरे पास आकर ही बच्चा गोद लेने की बात क्यों कही? जब मैं ऑर्फनेज में गया तो मुझे काव्या क्यों मिली होगी? सोचो, काव्या तुम्हारी ही बेटी है। तुम्हारी एक बहुत अच्छी फैमिली है, तुम्हें तुम्हारी बेटी मिल गई, अब उसे खुद से दूर मत करना, हमेशा उसे नजदीक रखना। अरे क्या हुआ? अरे कोई डॉक्टर को फोन करो। इसकी सांसें तो चल रही है ना? क्या हो गया यहाँ पे? देखो देखो कुछ हुआ क्या? अच्छा कुछ तो करो, लेकर चलो, सब लेके चलो इसे, लेके यहाँ से। Thank you.
मेरी बच्ची, सरप्राइज। ये देखो, कम 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 कम, इसे हमेशा पहने रखना, कभी मत उतारना, ओके? यहाँ किस करो? थैंक यू। मुझे लगता है कि बच्ची को एक अच्छा परिवार मिल गया है। अगर आप लोग काव्या को गोद लेने के लिए तैयार हों, तो हम लोग फॉर्मेलिटी शुरू कर सकते हैं। रेडी है ना? यस, एब्सोल्युटली। मिस्टर प्रभु गोविंद, या गोविंदपुरी में लैंड शेयर्स, बड़ी बड़ी कंपनियों में स्टॉक शेयर्स, इसके अलावा भी कई सारे इन्वेस्टमेंट्स। मैं छोड़ सकता था, लेकिन मुझे ये बताने के लिए कोई जवाब नहीं था कि उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। देखो, मंथली सैलरी वाली एक साधारण सी नौकरी, इसके अलावा उसकी नौकरी पकड़ने से पहले उसके बैंक अकाउंट के बारे में पता करती तो उसकी सारी हिस्ट्री खुल जाती। नो सर, वो एक्चुअली हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स के लिए एक पर्सनल ट्रेनर के तौर पर काम करता है। मजाक मत कीजिए मैडम। देखिए, इस बात को कोई साबित नहीं कर सकता कि वो पर्सनल ट्रेनर था। आप तो पढ़ी लिखी हैं, आपको तो मालूम ही होगा कि आजकल बिना पेपर के कुछ नहीं होता है। इस तरह का कोई पेपर मुझे दिखाइए। अगर आपके पास कोई पेपर नहीं है तो प्लीज मेरा टाइम बर्बाद मत कीजिए। बहुत रिक्वेस्ट की तो डॉक्टर ने कहा कि वो यहाँ आएंगे। देखो निधि, तुम प्लीज गलत मत समझो। एक बार डॉक्टर को आ जाने दो, फिर मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी तुम यहाँ से जाओ, काव्या के साथ रहो, वह बहुत ज्यादा डर गई होगी। एक बात बताओ प्रभु, मैं यहाँ हूँ ही क्यों? पुलिस मुझसे जो भी पूछ रही है, मेरे पास उसका जवाब क्यों नहीं है? डोंट हाइड एनीथिंग फ्रॉम मी, कितनी बार ये कहा है। तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है, कुछ बोलोगे? समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। ये तो तुम्हें डिसाइड करना ही होगा कि तुम मुझे बताओगे या पुलिस बताएगी। कुछ समय पहले मैं I was a sperm donor. What? वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए एक हेल्दी डोनर ढूंढ रहे थे, तो डॉक्टर ने मुझे अप्रोच किया। You're a sperm donor? निधि, पहले मुझे भी लगा था कि ये बहुत गलत है, लेकिन जब मैंने आसपास की रियलिटी देखा तो पता चला कि लोग बच्चे के लिए क्या क्या करते हैं। और मैं तो, ये तुम्हारी पर्सनल ट्रेनिंग थी, ये थी वो? मैं भी कितनी बेवकूफ थी। मतलब तुमने जो भी पैसे कमाए वो? निधि, मैंने वो पैसे लौटा दिए, लेकिन डॉक्टर ने मुझे वो पैसे लेने के लिए फोर्स किया। डिस्गस्टिंग प्रभु। तुमने शादी के बाद भी ये किया? नहीं, जब हमने शादी करने का फैसला लिया उसी समय मैंने सब छोड़ दिया, लेकिन एक बार डॉक्टर, सुनो ना, डॉक्टर ने कहा कि इमरजेंसी थी, इसलिए मैंने बस उनकी हेल्प किया और कुछ नहीं। मेरी बात तो सुनो। डोंट टच मी प्रभु। क्यों प्रभु, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारे पास तो कई मौके थे। जब मैंने बताया था कि मैं एक डिवोर्सी हूं, तब क्यों नहीं बताया? जब ये डिसाइड किया कि हम कुर्ग जाकर शादी करेंगे, तब क्यों नहीं बताया? और सबसे बड़ी बात, जब ये पता चला कि मैं एक बच्चा पैदा नहीं कर सकती हूँ, तब क्यों नहीं बताया तुमने? क्योंकि तुम्हारे तो ऑलरेडी इतने सारे बच्चे थे, इसलिए ना? निधि, वो सब मेरे बच्चे नहीं है, मैंने तो सिर्फ डॉक्टर कन्नड़ासन को स्पर्म डोनेट किया है। बार बार उस डॉक्टर का नाम क्यों ले रहे हो तुम? कौन है वो तुम्हारे? वो जैसा कहेंगे वैसा करोगे क्या? आई नो, पहले ये गलत लगता है। स्टॉप इट प्रभु, ये सब सुनकर तो मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है।
प्रभु, काव्या हमारी लाइफ में डॉक्टर के थ्रू ही आई है ना, हमने तो काव्या के लिए कुछ नहीं किया। क्या इसका मतलब है कि काव्या ये इसके बारे में मैं तुम्हें बताने जा रहा था। सुनो दीदी, दीदी प्लीज, दीदी दीदी, आई एम सॉरी। इसका मतलब है कि काव्या का जन्म तुम्हारी वजह से हुआ है ना? मैं समझ सकती हूँ व्हाट यू गोइंग थ्रू, मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि काव्या का आपके साथ रहना ठीक होगा। समझने की कोशिश कीजिए। वो काव्या को क्या क्या हुआ? वो मेरी बच्ची को मुझसे दूर लेकर चली गई और इसकी वजह सिर्फ तुम हो। निधि, काव्या, लेकिन ऐसा क्यों? जानना चाहते हो क्यों? मैं बताऊं तुम्हें, या फिर जब डॉक्टर आएंगे तो उनसे ही पूछ लेना। निधि, कुछ नहीं होगा, मैं हैंडल कर लूंगा। जरा इसके बारे में सोचिए सर, यहाँ तक कि उसकी फैमिली को भी इसके बारे में सब कुछ नहीं पता है सर। उन्होंने अपनी खुशियों के बदले में वो गिफ्ट या कहें कि वो पैसे दिए थे, ये सच है सर। आप हमें बताएंगे कि ये कैसे काम करता है? लेकिन सर, लेकिन ये पूरी तरह से लीगल है सर। बड़े लोग ये बिल्कुल नहीं चाहते कि उनका नाम बाहर आए, इसलिए हम इसे पूरी सावधानी से करते हैं। लेकिन एक बात है सर, स्पर्म डोनेशन को हमारे देश में अब पूरी तरह मान्यता मिल चुकी है सर। इस तरह का भी कोई बिजनेस होता है? मुझे तो बिल्कुल पता नहीं है सर। आप इस बारे में सब कुछ गूगल पे पढ़ सकते हैं। गूगल? हाँ। लेकिन उसके लिए एप्पल का लैपटॉप चाहिए। हाँ? 15 इंचेस सर, ये बात मैं आपको 6 इंच के एप्पल में भी बता सकता हूँ। 1 मिनट। समझ नहीं आता, अपने बेटे को मैंने इंजीनियरिंग के लिए इतना फोर्स क्यों किया? कन्नदासन सर, आप बोल रहे हैं ना? हाँ ठीक है सर। सब ठीक है ना? क्या हुआ? सर, वो यहाँ का इंस्पेक्टर आपके बच्चे के पिता के बारे में जानना चाहता है। मैंने जवाब देने से मना कर दिया तो मुझे धमकी दी कि मुझे एक लैपटॉप दो। जरा इंस्पेक्टर को फोन तो दो सर, उसे ये कह देना कि ये एक सीक्रेट है। अरे वो सब छोड़ो, पहले उसे फोन दो। देता हूँ सर, देता हूँ। सर वो इधर ही आ रहे हैं, ये लीजिए सर, आपको अमेज़न से एप्पल टीवी भेज दिया जाएगा। हेलो, अरे सर, जी सर, बोलिए बोलिए। आपने बोल दिया तो समझिए मैंने छोड़ दिया। प्रभु, हे प्रभु, रुक जाओ प्रभु, हे। देखो, अनजाने में जो कुछ भी हो उसके लिए सॉरी। बस कीजिए, बहुत हो गया। 1 मिनट दे सकते हो क्या? प्लीज। अगर इस वक्त आप लोग काव्या से मिलेंगे तो उसकी जिंदगी संकट में आ जाएगी। इसके अलावा जब तक आपकी वाइफ आपके साथ नहीं रहेगी, काव्या को मैं तब तक आपके साथ नहीं भेज सकती। पहले आप अपने आप को संभालिए। क्या मुझे ये सोचकर खुश होना चाहिए कि आज तुम्हारे कारण बहुत से लोग माता पिता बने हैं, या ये सोचकर दुखी हो जाऊं कि तुमने हमें धोखा दिया? समझ में नहीं आता। खुश रहो बेटा। हेलो निधि, कैसी हो? क्या चाहते हो तुम? प्लीज निधि, तुम्हारे बिना सब कुछ ठहर सा गया है। वापस आ जाओ प्लीज, मेरे लिए ना सही, कम से कम काव्या की खातिर आ जाओ।
निधि, क्या हुआ बेटा? हाँ आंसर द फोन निधि। माँ सुनो प्रभु। अरे कैसे आदमी आप, आपको शर्म नहीं आती? मैडम कुछ मत बोलिए, मेरे बेटे का बुरी तरह से इस्तेमाल किया है आपने, आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी हिम्मत कैसे हुई फोन देने की? बात ये कि एक शब्द मत बोलिए, मैं भी एक बिजनेस चलाती हूँ, लेकिन मैं पहले प्रभु की माँ हूँ, आप एक डॉक्टर हैं और प्रभु आपके साथ बिजनेस करता था। मैडम वो कुछ मत बोलिए, हमने तो आपको फैमिली मेंबर की तरह समझा, आप पर भरोसा किया, आपकी वजह से हमारी फैमिली बिखर गई। I can explain, madam. कुछ नहीं सुनना मुझे, आज के बाद प्रभु के आसपास या मेरी फैमिली के आसपास भी दिखाई दिए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुना आपने? अपनी जरूरतों के लिए मैंने प्रभु की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया और उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। हाँ डॉक्टर, उसकी माँ की फोन पे कही एक एक बात मुझे कांटा बन के चुभ रही है। उस बेचारी को कितना दुख हो रहा होगा ना, शी मस्ट बी ग्रेट। हाँ डॉक्टर, उसका यूज करके खुद के लिए कार बंगला खरीदा और सेटल हो गया हूँ, लेकिन उसकी फैमिली पूरी तरह से बिखर गई है। मैं बहुत ही गलत आदमी हूँ। हाँ डॉक्टर, डॉक्टर क्लोजिंग का समय हो गया है, चलें क्या? तुम जाओ, मुझे जरा बैठ के कुछ सोचने दो। गुड नाइट डॉक्टर। आओ प्रभु, आप मुझसे मिलना चाहते थे? हाँ कुछ बात करनी थी, आ जाओ। मैं बाद में आता हूँ। प्रभु गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में अंधे मत बनो, उन्हें कुछ जरूरी बात करनी है, कम से कम एक बार सुन तो लो। देखो कम से कम मेरे लिए तो सुन ही लो, आओ। आपको जो भी कहना है जल्दी कहिए। प्रभु मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं, मैं जो कहने जा रहा हूं उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, विश्वास करो। हालांकि मैं बहुत ही अच्छे से बिजनेस चला रहा हूं, मैंने फैमिली को खुश रखने के लिए सब कुछ किया, पैसा बनाया, लेकिन जब देखा कि मेरी वजह से तुम्हारी फैमिली बिखर गई है तो मैं भी शांति से सो नहीं पाया। मेरी वजह से जो कुछ खराब हुआ है उसे मुझे ठीक करने का एक मौका तो दोगे? सिर्फ एक मौका प्लीज। तुम दोनों के दूर जाने से सिर्फ दो लोग ही दूर नहीं होंगे, दो फैमिलीज दूर हो जाएंगी, और उससे भी बदतर बेचारी वो बच्ची तो निर्दोष है ना, और वो तुम्हारी बच्ची है प्रभु। क्रोध करने से कुछ नहीं होता है, मन को शांत रखो प्लीज। ओह प्रभु आओ बैठो। हम्म,
अंदर जाकर उससे बात कर लो। वी विल बी अराउंड इफ यू नीड समथिंग। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था प्रभु। मुझे अब भी तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझे फोर्स मत करो प्लीज। मैं समझ सकता हूं निधि, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैं यहां खुद को जस्टिफाई करने या तुम्हें किसी तरह से फोर्स करने नहीं आया हूं। मैंने जो किया वो गलत था। मुझे शादी के पहले ही तुम्हें बता देना चाहिए था कि मैं डोनर हूं, लेकिन मैं क्या करूं, कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। जब मुझे पता चला कि हमें कोई बच्चा नहीं हो सकता है, मैं अंदर से बहुत टूट गया। चिंता होने लगी कि अब तुम्हें बहुत दुख होगा, लेकिन जब मुझे काव्या का पता चला तो मेरी दुनिया पूरी तरह बदल गई। मेरी दुनिया काव्या और तुम होनी थी। मुझे तुम दोनों की जरूरत है। मुझे यह अच्छे से पता है कि मेरी वजह से तुम बहुत हर्ट हुई हो। बस तुम एक बार मुझे मौका दे दो, बस एक बार, सिर्फ एक बार तुम मेरे साथ उस जगह पर चलो। फिर तुम जो फैसला लोगी मुझे वो मंजूर होगा। ज्यादा टीवी मत देखना, है ना? यस सर। इसे ले जाकर पार्क कर दो। ओके सर। हाँ प्लीज आप इधर आइए, आई विल मीट यू इन सम टाइम। हाय प्रभु। हाय निधि, तुम्हारा क्रोध, दुख, फ्रस्ट्रेशन, मुझे सब मिल गया। बस तुम सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो। मैं यहाँ इसके लिए नहीं आई। ओके निधि, देखो सिर्फ पेशेंस रखो और मेरी बात सुनो। जस्ट फॉर 5 मिनट्स, जस्ट 5 मिनट्स प्लीज, प्लीज। दिस वे प्लीज, दिस वे प्लीज। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सुनो निधि, प्रभु की जिंदगी में जो अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आया था उसकी वजह मैं हूं। ये सही था या गलत था ये तुम किसी भी एंगल से सोच सकती हो। एक डॉक्टर और एक बिजनेसमैन होने के नाते मुझे ये सही लगा, लेकिन तुम्हें इसकी वाइफ होने के नाते कैसा लगा वो मैं नहीं बता सकता। लेकिन तुम इन सब बच्चों और फैमिली की तरफ देखो और बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है। सबके पास कुछ ना कुछ है और सब खुश हैं, सब कंप्लीट हैं, पर मेरी तरफ देखिए। ये सभी फैमिली मेरे पास से कुछ समय पहले इसी फीलिंग के साथ आई थी, ऐसी ही तड़प और ऐसी ही समस्या के साथ, और उसी समय प्रभु इन सब की जिंदगी में आया। प्रभु के आने के बाद इन सबको मैं खुशियां बांट पाया, प्रभु की बदौलत ही। जरा सबकी तरफ देखो, टेक अ लुक। ये सब कुछ इसके डोनेशन की वजह से हुआ है। ये देखो यहां आज सब इसकी वजह से ही पेरेंट्स बन पाए हैं। डॉक्टर, ये सभी बच्चे मेरे हैं क्या? तुम यहां जितने भी बच्चे देख रहे हो ना, उनका जन्म तुम्हारी वजह से हुआ है। हाँ? 49 49? Yes. माँ मैं खेलने जाऊँ? ओके, जाओ आराम से। <clears throat>
सो स्कूल, ट्यूशन, फुटबॉल कोचिंग, म्यूजिक क्लास, डांस क्लास, ड्राइंग क्लास, सब कुछ जो वो चाहेगी। तुम्हें यकीन है हम उसे दे पाएंगे? ये सब क्यों पूछ रही हो? मेरे साथ घर आने का फैसला किया है?